मेरे साथ निकाली भजन संहिता, उसका पहला अध्याय। प्रिय, आज मैं आपको बात करना चाहता हूं भजन संहिता पहले अध्याय से। भजन संहिता पहला अध्याय, जब हम भजन संहिता को शुरू करते हैं, पहला अध्याय परमेश्वर के प्यारे बेटे दाऊद ने लिखा है प्रियो। और हम देख सकते हैं कि प्रियो, परमेश्वर ने एक बड़ी ही बात को, एक बड़ी ही योजना को भजन संहिता एक में आपको मुझे दिया है। ये भजन संहिता एक आपको शायद याद हो सकती है, भजन संहिता एक आप कई हजार बार इसको सुन चुके हैं, भजन संहिता एक पे आप कई हजार बार प्रचारों को सुन चुके हैं प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जब आप इस भजन संहिता एक पर मनन करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आज यह संदेश आपके लिए नया होने जा रहा है, आज यह संदेश आपके लिए अद्भुत होने जा रहा है, आज यह संदेश आपको प्रकाशित करने जा रहा है। प्रियो, यह भजन संहिता एक जो है, यह आपकी और मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी आशीष के विषय में दर्शाता है। प्रियो, भजन संहिता एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे दाऊद ने लिखा है, और यह उस समय लिखा है प्रियो जब दाऊद परमेश्वर की बहुत निकटता में, परमेश्वर की बहुत गहरी संगति में अपने जीवन को बिता रहा था। तब परमेश्वर उसे समझने और बुझने की शक्ति दी कि परमेश्वर कैसे लोगों से खुश होता है, परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद करता है, परमेश्वर कैसे लोगों को आशीष देता है, परमेश्वर कैसे लोगों को उन्नति देता है, परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में तरक्की को देता है। इन बातों को समझने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के साथ में एक गहरी संगति में होना होता है, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ में गहरे रिश्ते में होना पड़ता है, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ में चलना होता है। प्रियो, भजन संहिता एक उसके छह पद से मैं शुरू करूंगा, लास्ट पद को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, धर्मियों का मार्ग जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परमेश्वर पापियों का मार्ग जानता है, परमेश्वर आज आपका और मेरा मार्ग जानता है। कई बार हम सोचते अपनी जिंदगी में, शायद परमेश्वर मुझे नहीं जानता, शायद परमेश्वर ने मुझे नहीं देखा, शायद परमेश्वर मेरी बात को नहीं सुन रहा, शायद परमेश्वर का ध्यान मेरी ओर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, भजन संहिता पहला अध्याय पे आप रुक जाइए, भजन संहिता के पहले अध्याय पे रुक जाइए, वहां क्या लिखा है? परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे मार्ग को जानता है। आप और मैं कहां जाते हैं परमेश्वर जानता है, आप और मैं क्या देखते हैं परमेश्वर जानता है, आप और मैं कैसा चलते हैं परमेश्वर जानता है। आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है। चिल्ला कर कहिए, परमेश्वर मेरे मार्गों को जानता है, परमेश्वर मेरी जिंदगी की योजनाओं को जानता है। शायद बहन ज्योत्सना की तरह आप भी चार बार प्रयास कर चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर उसके मार्गों को जानता था कि मुझे आखिरी में उसके बच्चे को एडमिशन दिलाना है। आप शायद नौकरी के लिए कई बार प्रयास कर चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है। शायद आप मैरिज के लिए कई बार प्रयास कर चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है। शायद आप व्यवसाय के लिए कई बार प्रयास कर चुके होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है। प्रियो, जिस भी बात के लिए आप कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको आज इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे मार्गों को जानता है। एक बार चिल्ला कर कहिए प्रियो, एक बार चिल्ला कर कहिए ताकि आपके पड़ोस सुनने पाए, परमेश्वर मेरे मार्गों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। कहिए मेरे साथ में, परमेश्वर मेरे मार्गों को जानता है। आज प्रियो, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। प्रियो, आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज आपको परेशानी में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके मार्गों को जानता है। आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते, क्या दिखते हैं, सब बातों के ऊपर में परमेश्वर की नजर है। रिबो शखानामान ठेलेबे लबार रकानामा सिकेन ठेलेबे, क्या लिखा है फिर से पढ़िए, भजन संहिता पहला अध्याय उसके छह पद। आज मैं आपसे भजन संहिता से बात करने वाला प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश आपके जीवन के मार्गों को बदल कर रखने वाला है। आपने हजारों बार भजन संहिता के ऊपर प्रचार सुना होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज का प्रचार आपके लिए नया होने वाला है। आज का प्रचार आपके लिए नया होने वाला है। आज का प्रचार, आप भजन संहिता को एक को ऐसे देखने वाले प्रियो जैसे आपने कभी नहीं देखा होगा उसको। आप भजन संहिता एक को वैसे देखेंगे आज जैसा आज तक आपने उसे नहीं देखा। भजन संहिता एक उसके छह पद में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा
धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, लेकिन जो दुष्ट हैं, जो पाप के रास्ते पर चलते हैं, जो पाप में अपनी दुनिया जिंदगी को बिताते हैं, जो पापों के हिसाब से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा जो लोग गलत कामों के लिए अपने मार्ग बनाते हैं, जो लोग गलत कामों के लिए अपने काम को शुरू करते हैं, जो लोग गलत कामों को अंजाम देते प्रियो, आपने देखा होगा उनके मार्ग नष्ट हो जाते हैं। प्रियो चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक ने एक दिन वो पकड़ा जाता है। खून करने वाला कितना भी चालाकी से हो, खून करे, हत्या करे, लेकिन आप देखते हो वो पकड़ा जाता है। किसे कैसे होता है ये? हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला कितनी ही चालाकी से क्यों ना करे, लेकिन वो कोई ना कोई सुराग छोड़कर चले जाता है। पियो बाइबल बताती है इस विषय में कि क्यों वो पकड़ाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर यहां कह रहा है कि उनके मार्ग नष्ट हो जाते हैं। जो लोग गलत मार्ग पर चलते हैं, जो लोग गलत मनसाएं रखते हैं, जो लोग गलत योजनाएं रखते हैं, उनके मार्ग नष्ट हो जाते हैं, परंतु धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है। एक बार अपने घर में चिल्ला कर कहें, धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है। कम ऑन चर्च, चिल्ला कर कहें, धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है। बोलो, परमेश्वर मेरे मार्गों को जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जितने लोग आज मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। परमेश्वर आपके मार्गों को जानता है, परमेश्वर आज आपके मार्गों को जानता है। आपको बिल्कुल भी अपने मार्गों की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा क्या होगा लॉकडाउन में, मेरा क्या होगा वो लॉकडाउन के समय, मेरे परिवार का क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लॉकडाउन में आप दूसरे लोगों से ज्यादा आशीषित होने वाले हैं, ज्यादा फलवंत होने वाले हैं। आज का संदेश यदि ध्यान से सुन लिया ना, तो सारा लॉकडाउन का चिंता है ना, घर छोड़ के भाग जाएगा आपके। आज का संदेश यदि ध्यान से सुन लिया ना, सारी दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या ना उखड़ कर भाग जाएगी। इसलिए शैतान कितना भी ट्राई करे, शैतान कितनी भी कोशिश करे कि आपको इस लाइव ब्रॉडकास्ट से भगाए, आप शैतान को भगाना है, आपने नहीं भागना है यहां से, आपने शैतान को भगाना है, आप नहीं भागना है। इसलिए बने रहें, डटे रहें, अड़े रहें और खड़े रहें। प्रियो, मैं इस संदेश की शुरुआत मैंने इस बात से की है कि परमेश्वर आपका और मेरा मार्ग जानता है, परमेश्वर आपका और मेरा मार्ग जानता है। आज के संदेश की शुरुआत मैंने इस बात से की है कि परमेश्वर आपका और मेरा मार्ग जानता है। प्रियो, इसलिए जल्दी से, जितने लोग अभी ऑनलाइन हुए हैं, जल्दी से जाकर ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, जल्दी से जाकर ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, शेयर कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके मार्गों को जान सके। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, से हालेलुया, रिया नमा से केने में ठेले बेले ले बर रस्से अंडे ले बा। तो जल्दी से बलसेता एक, उसके पहले पद को देखिए क्या लिखा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहली बात, परमेश्वर जो आप से मुझसे कहना चाहता है कि परमेश्वर धर्मियों के और दुष्टों के मार्ग को जानता है, इसलिए परमेश्वर दुष्टों के और धर्मियों के मार्ग को जानता है। इसलिए दाऊद, जो कि परमेश्वर का दिल कहलाया, जो कि परमेश्वर के करीबी रिश्ता का कहलाया, जो कि परमेश्वर के साथ चलने वाला, द हार्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दिल, वो इस बात को कह रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के दिल को जानता है। आज परमेश्वर आपके दिल को जानता है। क्या आज आप परमेश्वर के दिल को जानते हैं? क्या आज आप परमेश्वर के दिल को जानते हैं? मैं आज आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई और बहनों। हाँ भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे और बेटी, मैं तेरे मार्ग को जानता हूं। हे मेरे भाई, परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है। मेरी बहन, परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है। और वो कह रहा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो महिला, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो महिला। कौन धन्य है परमेश्वर की नजर में? आज कौन धन्य है परमेश्वर की नजर में? आज कौन धन्य है परमेश्वर की नजर में? क्या जो दान देता वो धन्य है? क्या जो हर संडे चर्च जाता वो धन्य है? क्या जो गरीबों को खाना खिला रहा है अभी लॉकडाउन में वो धन्य है? क्या जो दूसरे लोगों की मदद करा वो धन्य है? परमेश्वर धन्य किसे कहता है?
प्रियो, मनुष्य की परिभाषा अलग है, परमेश्वर की परिभाषा अलग है। हम मनुष्य की परिभाषाओं में कई सारे तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के नियम और विधियों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। परमेश्वर किसे धन्य कहता है? कई लोग धर्म के कामों को करने के कारण कहते हैं कि हम धन्य हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन क्या आप उनके मार्गों को जानते हैं? एक तरफ तो वो बहुत ज्यादा धर्मी होने का दिखावा करेंगे, लेकिन दूसरी ही ओर पर्दे के पीछे परमेश्वर उनके मार्गों को देखता है कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर आज किन्हें धर्मी कहता है, पढ़िए ध्यान से और भजन संहिता एक पर अटके रहिए। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहली बात, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या आज आप और मैं दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं? दुष्टों की युक्ति का मतलब होता है योजनाएं, आइडियाज। क्या आज हमारी योजनाएं दुष्टों की योजनाएं हैं? क्या आज हमारे आइडियाज किसी को गिराने के लिए, किसी को उठाने के लिए हैं? क्या आज हमारे आइडियाज किसी का काम बंद करने के लिए है? क्या आइडियाज हमारे आज किसी को धोखा देने का है? आज कौन सी योजनाएं आपकी और मेरे पास में है? आज कौन सी योजनाएं आपकी और मेरे पास में है? क्या हमारी योजनाओं से परमेश्वर खुश है? क्या हमारी योजनाओं से परमेश्वर खुश हो जाता है? आज शाम सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए, आज सुबह जब मैं सोकर उठा, उसके बाद हमारे प्रेयर कॉल सेंटर पे एक फोन आया। मैं हमेशा प्रेयर कॉल सेंटर को अपडेट में रखता हूं। हमारे प्रेयर कॉल सेंटर पे एक बहन का फोन आया। वो बहन ने बोला, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेयर कॉल सेंटर पे जो भाई है, उन्होंने पूछा कि बहन आपके प्रार्थना का क्या विषय है? उस बहन ने कहा, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूं उससे मेरी शादी हो जाए। वो बहन कह रही है कि तुम इस बात के लिए प्रार्थना करो कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूं उससे मेरी शादी हो जाए। तो क्या यह परमेश्वर की योजना है? क्या उस बहन ने परमेश्वर की योजना को प्राप्त किया कि जो जिस लड़के से प्यार कर रही वही परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है? क्या उस बहन ने उस परमेश्वर की योजना को मांगा? ये बहन ने अपनी आंखों की अभिलाषा, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के ऊपर थोपने की कोशिश की। हमारे कॉल सेंटर वाले भाई ने एक बात उनको कही कि बहन, हम इस बात के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हम इस बात के लिए प्रार्थना, क्या आपके पापा मम्मी खुश हैं? क्या आपका परिवार खुश है? क्या आपके लोग खुश हैं? आपने आकर कह दिया, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि उससे मेरी शादी हो जाए। क्या परमेश्वर यहां उसके लिए कह रहा, क्या ही धन्य है तू, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो महिला? बड़े ही ध्यान से आप इस संदेश को सुनिए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉल्स हमारे पास में आते हैं प्रियो, जो सचमुच जिनके लिए प्रार्थना करनी हम प्रार्थना करते हैं। ये क्या विषय है प्रार्थना का? फिर जब ये लड़की की शादी हो जाएगी और उसके बाद में इनके बीच में झगड़ा होगा, इनके बीच में तनाव होगा, तब ये फिर प्रार्थना करवाएंगे आकर। इसके पहले कि मामला गड़बड़ हो, पहले ही आपकी योजनाएं सही होना चाहिए, आपके उद्देश्य सही होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं, आपकी योजनाएं, आपके उद्देश्य सही होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, बड़े ध्यान से आज के संदेश को सुनिए, आपकी योजनाएं और आपके उद्देश्य सही होना चाहिए जब आप खुदावन यीशु मसीह के पास में आते हो, जब आप परमेश्वर के पास आते हो। परमेश्वर के पास आकर आप अपनी योजनाओं को प्रभु पर मत डालो। प्रभु ये मैं ले आया हूं, अब आप आशीष दो। प्रभु मैं बीबी ले आया हूं, आशीष दो। प्रभु मैं पति को ले आई हूं, आशीष दो। प्रभु ये मैं सामान लेकर आया, आशीष दो। आप अपनी योजना खुदा के पास लेकर मत जाइए, परमेश्वर के पास जाइए और उसकी योजनाओं को लेकर आइए। परमेश्वर के पास जाएं और उसकी योजनाओं को अपनी जिंदगी में लेकर आएं। इसलिए ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष। आज यदि आज आप परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं, आज यदि आप परमेश्वर की मर्जी से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए आज एक बात कहना चाह रहा है, आप धन्य है। परमेश्वर आपको धन्य कहता है, चाहे आप कुछ ना करो तो भी परमेश्वर आपको धन्य कहता है।
परमेश्वर आपको धन्य कहता है। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष और वो स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यदि आप कुछ भी नहीं करते हो, डजंट नो मैटर, लेकिन यदि आज आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको धन्य कहता है। आपको परमेश्वर से धन्य कहलवाने के लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर से धन्य कहलवाने के लिए आपको पहाड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में क्या कहा, मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दूं, अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं किसी काम का नहीं। पर आप अपनी संपत्ति कंगालों को बांट दो, अपनी देह जलाने के लिए दे दो, फिर भी यदि आप दुष्टों के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, दुष्टों की युक्ति करने वाले लोग हैं, तो प्रियो परमेश्वर कभी भी आपको धन्य नहीं कह सकता। इसलिए बाइबल आज कह रही है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। पहली बात भजन संहिता पहला पद क्या दिखाता है? भजन संहिता पहला पद दिखाता है आज्ञाकारिता। सब लोग लिख लीजिए अपने अपनी बाइबल में, भजन संहिता का पहला पद दिखाता है आज्ञाकारिता। पहला पद का मतलब है आपको आज्ञाकारिता में रहना है, आपको आज्ञाकारी रहना है। पहले पद का मतलब लिख लीजिए आज्ञाकारिता। ये पहला पद क्यों लिखा गया? ताकि आप और मैं आज्ञाकारिता में रहें, ताकि आप और मैं आज्ञा माने। ये पहला पद परमेश्वर की आज्ञा है। चिल्ला कर कहिए, पहला पद परमेश्वर की आज्ञा है, पहला पद परमेश्वर की आज्ञा है, पहला पद परमेश्वर की आज्ञा है, पहला पद परमेश्वर की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? आपको और मुझे दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। क्या आज्ञा है? आज से आपको और मुझे दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। क्या आज्ञा है? आज से आपको और मुझे दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। अपनी बाइबल के साइड में लिख लीजिए पहले पद के पास में आज्ञाकारिता। पहला पद आज्ञाकारिता को दिखाता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आज आपको और मुझे पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है। परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो पापियों के मार्ग में खड़े नहीं रहते। शायद आप शराब नहीं पीते, शायद आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन आप पान की दुकानों पर क्या कर रहे हैं? आप बार के अंदर क्या कर रहे हैं? अरे मैं डांस करने नहीं गया, आप क्लब में क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो दोस्तों के साथ गया था, मैं थोड़ी शराब पीता हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में कह रहा है प्रियो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, दूसरी आज्ञाकारी बात परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, कि पापियों के मार्ग में भी आपको खड़ा नहीं रहना है। शराब की दुकानें, नशे, व्यभिचार के अड्डे, गंदगी के मार्ग में भी आपको खड़ा नहीं रहना है। आपको वहां पर खड़े रहने की परमिशन नहीं है। आप परमेश्वर के चुने और पवित्र लोग हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे मार्ग में खड़े रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे मार्ग में खड़े रहें। परमेश्वर आपको ऐसे मार्ग में जाने की अलाउ नहीं करता। वो क्या कहता है, न वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। यदि आज आप पापियों के मार्ग में खड़े नहीं रहते, परमेश्वर आपको धन्य कहता है, परमेश्वर आपको धन्य कहता है, परमेश्वर आपको धन्य कहता है। तीसरी बात, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। या जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप ठट्टा करने वाले मंडली में नहीं बैठते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना प्रियो। शैतान को 6000 साल का एक्सपीरियंस है। कितने सालों का? 6000 सालों का। उसको पता है कि आने वाले समय में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्फिशनेस, सेल्फी हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। तो उसके पास 6000 साल का एक्सपीरियंस था, उसने एक लॉजिक बनाया। उसने बोला ठट्टा करने वाली मंडली को हम कहते हैं ग्रुप्स। सब लोग कहिए ग्रुप्स। मंडली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रुप। मंडली को क्या कहते हैं? ग्रुप्स। तो उसने ऑनलाइन मंडली बना दी, व्हाट्सएप के ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप, ऑनलाइन उसने ग्रुप बनवा दिए, ताकि अब व्यक्ति बाहर तो जाएगा नहीं, तो ऑनलाइन ग्रुप में। ऐसे बहुत सारे ग्रुप होंगे प्रियो आपके पास में, जहां पर चुटकुले, राजनीति, गाली गलौज, बहस,
व्यभिचार पोर्नोग्राफी चलती है। यदि आप ऐसे ग्रुप में भी हैं तो भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन लागू होता है। भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन लागू होता है। आप उस मंडली में हैं, चाहे आप चुटकुले नहीं भेज रहे, चाहे आप पोर्न गंदे पिक्चर नहीं भेज रहे हैं, चाहे आप गंदगी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यदि उस ग्रुप में हैं तो याद रखिए भजन संहिता पहला अध्याय पहला पद लागू होता है। क्या लिखा है वहां पर पढ़िए ध्यान से, क्या ही धन्य हो। नो, लास्ट वाली लाइन पढ़िए क्या लिखा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज आपको बताना चाहता हूं, कॉमेडी शो बहुत फेमस है और वह कॉमेडी वल्गरिटी वाली कॉमेडी होती है। एक दूसरे के कपड़े उतारे जाते हैं, एक दूसरे को नंगा किया जाता है, एक दूसरे को जलील किया जाता है, और हम हंसते हैं, हा 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 हा, बहुत बढ़िया। आज लोगों को वह कॉमेडी शोज में नंगा कर देते हैं, जलील करते हैं, बुरा बोलते हैं, और सारे लोग हम लोग हा हा हा, ओ वाह वाह। भजन संहिता एक अंतिम समय में चल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आप यदि ऐसे शो को टीवी पर देख रहे हैं, भजन संहिता एक पढ़ लो। भजन संहिता एक में लिखा है, ना वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप ज्ञान बांटोगे भी आकर मेरे पास में, कमेंट में ज्ञान बांटने लग जाओगे आकर, क्या कहोगे, हम नहीं बैठते टीवी के सामने, कौन बैठता है कॉमेडी शोज के सामने, कौन बैठता है YouTube पर कॉमेडी चैनल कौन चलाता है, जब ग्रुप में कोई चुटकुला सुनाता है कितनी हंसी आती है हमको, TikTok कितनी गंदगी फैलाते हैं, वाह बहुत मजा आ गया उसने उसको ऐसा बोल दिया, राजनीति की गंदी कमेंट्स, प्रधानमंत्री के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में, एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ में, और हम भी शामिल हो गए, मसीह लोगों, मसीह लोग भी शामिल हो गए और अपने आप को बड़े बता रहे हैं उसके विरोध में। आपको कौन परमिशन दिया किसी के विरोध में बात करने के लिए? भजन संहिता एक पढ़िए, भजन संहिता एक पढ़िए, पूरा एक 150 पढ़ डाली, बाप दादा से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन भजन संहिता एक भी समझ में नहीं आई। भजन संहिता पहला अध्याय का पहला पद ही समझ लो बस, भजन संहिता पहले अध्याय का पहला पद समझ में आ गया, सारा मामला सेटल हो जाएगा, सारा मामला आज सेटल हो जाएगा। यदि भजन संहिता का पहला पद ही समझ में नहीं आया, गा गा के थक जाओगे भजन संहिता, कितना गाओगे भजन संहिता को, कितना गाएंगे हम लोग, कितना गाएंगे? ठट्टा करने वाली मंडली आज सबसे ज्यादा फेमस है प्रियो, ये ठट्टा करने वाली मंडली आपके हाथों में है, आपके हाथों में है। जैसे ही ग्रुप मोबाइल चालू करते हो ना, व्हाट्सएप का ग्रुप ऑटोमेटिकली धड़ाधड़ 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 मैसेज डालना शुरू कर देता है। क्लिक करते हैं पोर्नोग्राफी के चित्र, क्लिक करते हैं चुटकले, क्लिक करते हैं राजनीति के बारे में, उस पार्टी के बारे में आलोचना, उस पार्टी के बारे में आलोचना। आपको और मुझे मसीह लोगों को क्या मतलब है? आप और मैं जो खुदा के लोग हैं, हमें एक दूसरे की पार्टी पर आलोचना करने से क्या मतलब है? दानियल की कौन सी पार्टी थी, पतरस की कौन सी पार्टी थी, कौन सी पार्टी के लोग थे, कौन गया? दानियल शेर के मांद में कूद पड़ा प्रियो, कहा उसने आंदोलन करा, कमोन चर्च। पतरस, योना ठीक से बाइबल नहीं पढ़ने के कारण समस्याएं पैदा हो रही है आज। भजन संहिता एक का पहले अध्याय पर अटके रहो, एक पहले वचन पर अटक गए ना, सब कुछ सेटल हो जाएगा। हालेलुया प्रियो, आज चेतावनी भरा संदेश सुन लीजिए। यदि आज आप ऐसे ग्रुप्स में भी हैं जहां पर वल्गरिटी होती है, जहां मजाक उड़ाया जाता है, या आपके ग्रुप में कोई ऐसी पोस्ट डालता है, तुरंत उस व्यक्ति को रिमूव करो। पूछे क्यों? उसको बोला भजन संहिता एक अध्याय को जब तक पढ़ना तब तक के समझ ना आ जाए, दूसरा मत पढ़ भाई, पहला ही समझ में नहीं आया तो दूसरा मत पढ़, क्यों पढ़ना है, पहले कोई समझ ले, पहले पहला अध्याय समझ में नहीं आया दूसरे में क्यों डिंगे हाकना है, पहला ही समझ लो, तब तक पढ़ना जब तक कि समझ ना आ जाए। क्या लिखा है वहां? लिखा है ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता।
आज शैतान बहुत ज्यादा समझदार है, उसको पता है कि आप बाजार नहीं जाओगे, आप बाजार में हंसी टिटोली करने नहीं जाओगे, इसलिए डायरेक्ट आपको ऐसे ग्रुपों में ऐड करवा देता है। वो ऐसे ग्रुप में आप ऐड हो जाते हो, आपके अपने लोगों के ग्रुपों में ऐड होते हो, जहां दो चार मसी पोस्ट, फिर राजनीति की पोस्ट, फिर दो चार मसी पोस्ट, फिर चुटकला, फिर दो चार मसी पोस्ट, हंसी टिटोली, दो चार मसी पोस्ट, क्या चल रहा है भाई? आधे मसी, आधे संसारी, आधे प्रभु के, थोड़ी देर में एकदम से प्रभु आ जाता है, ओ प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, फिर चुटकला, हा 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 हा, फिर मसीह, प्रभु आ गया, हा हालेलुया हालेलुया, फिर हा हा हा, क्या है, क्या है मेरे भाई और बहनों? शैतान पूरी ताकत से इस संसार में अब काम कर रहा है। ये कोरोना वायरस महामारी से और संसार की जो हालत है उससे देखकर आपको और मुझे अंदाजा लगा लेना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है। क्या आज हम तैयार हैं? क्या सोचते हैं घर में बैठने से ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठे हैं? अरे टीवी के सामने बैठ जाते हैं ठट्टा करने के लिए, मोबाइल वीडियोस लगाकर ठट्टा करना शुरू कर देते हैं, दोस्तों के साथ ठट्टा करना शुरू कर देते हैं, फिर बचता है तो व्हाट्सएप के ग्रुप बने, फेसबुक के ग्रुप बने, वहां शुरू हो जाते हैं। लीव हो जाए ऐसे ग्रुपों से, निकल जाओ ऐसे ग्रुप से, निकल जाना बेहतर है जो आपको अनंत आंख में लेकर जाए, ऐसी जगह से निकल जाना बेहतर है जो आपको अनंत आंख में पहुंचा दे, नरक की आंख में पहुंचा दे, आपके आत्मिक जीवन को भ्रष्ट कर दे। परमेश्वर दुष्ट के मार्ग को जानता है। आप शायद सोच रहे होंगे परमेश्वर नहीं देख रहा, मैंने आपको पहले ही बाहर सिखा था, लास्ट पद में क्या लिखा है, परमेश्वर धर्मियों के मार्ग को जानता है, परमेश्वर दुष्टों के मार्ग को भी जानता है, परमेश्वर आपके मार्ग को भी जानता है, परमेश्वर मेरे मार्गों को भी जानता है, परमेश्वर आपके पड़ोसी के मार्गों को भी जानता है, पड़ोसी के मार्गों को भी जानता है, परमेश्वर आपके और मेरे सभी लोगों के मार्ग को जानता है कि आप और मैं हम दोनों एक ही तराजू में है, हम दोनों एक ही तराजू में है। वो मेरे भी मार्गों को जानता है, वो आपके मार्गों को भी जानता है, वो भी जानता है कि मैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मैं मोबाइल्स में क्या करता हूं और आप क्या करते हैं। यदि प्रियो आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, परमेश्वर ने मुझे अपना प्रेरित बनाकर भेजा है ताकि मैं आपको परमेश्वर की सही शिक्षाओं को दूं। यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा प्रियो ताकि आप और मैं पाप में जीवन बिताएं, यीशु मसीह ने इसलिए कलवरी क्रूस नहीं उठाया प्रियो कि आप और मैं संसारिकता में जीवन बिताएं, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए क्रूस नहीं उठाया कि आप और मैं पापियों के मार्ग में ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठे, लेकिन आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए क्रूस उठाया ताकि आप और मैं इन सारी बातों से दूर होकर अनंत जीवन में प्रवेश करें, अनंत जीवन में प्रवेश करें। संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद भी यदि अनंत आग में जाए प्रियो तो सब कुछ व्यर्थ है। यह संसार की कोई भी चीज ना मिले और प्रभु कहे तुझे अनंत जीवन देता हूं। याद करो प्रभु यीशु मसीह लूका के सुसमाचार में दो व्यक्तियों के बारे में बताता है, एक धनवान, दूसरा लाजर। धनवान अपनी जिंदगी में सारी सुख सुविधा और सारे कपड़े, हर एक जो उसकी जिंदगी में चाहिए था सबका आनंद ले लिया। लाजर उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, जो कुछ उस धनवान की टेबल पर से गिरता था लाजर उसको चुन के खाया करता था। लाजर के बॉडी पर घाव हो गए थे, कुत्ते उसके घाव को चाटा करते थे। क्या हुआ? दोनों मर गए, एक अनंत आग में गया, दूसरा अब्राहम की गोद, जिसको हम कहते हैं पैराडाइज। अब्राहम की गोद को कहते हैं पैराडाइज, और पैराडाइज का मतलब है शांति लोक, जहां पर सारी आत्माएं शांति से विश्राम कर रही है। वो डाकू भी जो यीशु के साथ कलवरी क्रूस पे था, वो भी पैराडाइज में गया है, शांति लोक में। वे सभी धर्मी आत्माएं शांति लोक में जाती है, क्योंकि बाइबल बताती है धर्मी अपने काम से शांति पाएगा, धर्मी अपनी खाट पर विश्राम पाता है। ये उसी शांति लोक की बात हो रही है प्रियो, उसको कहते हैं पैराडाइज, मतलब शांति का लोक, स्वर्ग लोक, जहां पर सारी धर्मी आत्माएं विश्राम कर रही है। लेकिन दुष्टों की आत्माएं जिन्होंने अपने पाप में अपने जिंदगी को बिताया, उनको न्याय की जरूरत नहीं है। अरे दुष्टों को न्याय की क्या जरूरत, सीधे एंट्री होती है, जैसे धनवान की एंट्री सीधे नरक में, फुल्ली एंट्री, फुल्ली सीधे
उसके काम बताते हैं वो कहां जाएगा, सीधे नरक में एंट्री। तेरे को नाई की क्या जरूरत भाई, तेरे तो काम दिखा रहे हैं। अरे डिसीजन किसको दिया जाता है, जो 50-50 हो, जो पूरा ही 100% उसको डिसीजन देंगे क्या आप? क्रिकेट में आप थर्ड एम्पायर को देखे होंगे, थर्ड एम्पायर क्यों आता है, क्योंकि वहां जब दो एम्पायरों को समझ में नहीं आता है कि आउट है या नहीं है, तब थर्ड एम्पायर के पास में मामला भेजा जाता है और वो बारीकी से जांचता है कि वो आउट है या नहीं है। लेकिन जब दिख ही रहा है कि तो डायरेक्ट बोल्ड हो गया है, डायरेक्ट रन आउट है, डायरेक्ट कैच आउट है, एम्पायर उंगली खड़ी कर दी है, तब भैया किस बात का जजमेंट चाहिए आपको, किस बात का जजमेंट चाहिए? अरे जब न्याय होगा, न्याय होगा। न्याय के बारे में याद रखिएगा, न्याय किन लोगों का होगा, न्याय किन लोगों से शुरुआत होगी, न्याय की आपके और मेरे काम बताते कि हम न्याय के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बाकी लोगों तो सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री, धड़ाम तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। लाजर को न्याय की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे स्वर्ग लोक। धनवान को न्याय की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे नरक। याद रखिएगा, कम ऑन चर्च, बड़े ध्यान से आज के संदेश को सुनिए, बड़े ध्यान से आज के संदेश को सुनिए। यदि आज आप ऐसे ग्रुप्स के अंदर में हैं जहां हसीली ठिठोली की जाती है, जहां पोर्नोग्राफी, गंदी पिक्चरें, गंदे चुटकुले और गंदगी फैलाई जाती है, तुरंत अभी अभी मेरा मैसेज सुनते हुए उसको रिमूव करो, डिलीट करो, ऐसे लोगों को ब्लॉक मार दो। कोई मनुष्य आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, यीशु लेकर जाएगा, यीशु लेकर जाएगा। बोलिए पहला पद आज्ञाकारिता को दिखाता है, बोलिए पहला पद आज्ञाकारिता को दिखाता है, बोलो पहली बात आज्ञाकारिता। भजन संहिता पहला अध्याय पहला पद आज्ञा है, आज्ञाकारिता है। यदि मैं आज्ञाकारी रहूंगा, बाकी सारी बातें मेरी जिंदगी में पूरी होगी। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए, भजन संहिता पहला अध्याय का पहला पद आज्ञाकारिता को दिखाता है। यदि आज आपकी और मेरी जिंदगी में आज्ञाकारिता नहीं है, यदि हाँ आज का वचन सुनने के बाद में भी हम पापियों के मार्ग में खड़े हो रहे हैं, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठ रहे हैं, दुष्टों के साथ काम कर रहे हैं, तो सुन लीजिए भाई और बहनों, सुन लीजिए, फाइनल जजमेंट का इंतजार मत करना, हमारा जजमेंट तुरंत दिया जाएगा हमें। हालेलुया। दाऊद क्यों इस भजन को लिखने से पहले शुरुआत कर रहा है, वो इसराइल लोगों को ये भजन लिखकर ये बात बता रहा है, वो इसराइल लोगों को बात बता रहा है कि तुम्हारा भजन गाना कब सार्थक होगा, तुम्हारा भजन को गाना कब अच्छा होगा। एक तरफ आप प्रभु की वर्शिप कर रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, ओ और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, वर्शिप से निकलने के बाद झगड़ा, वर्शिप से निकलने के बाद शराब, वर्शिप के निकलने के बाद व्यभिचार, वर्शिप से निकलने के बाद एक दूसरे की बुराइयां। दाऊद कह रहा है जब तुम परमेश्वर के भवन में आराधना करने जा रहे हो, तो भजन संहिता पहले अध्याय के पहले ही पद में उसने इस बात को लिख दिया कि कौन लोगों की आराधना परमेश्वर ग्रहण करता है, कौन लोगों की आराधना परमेश्वर ग्रहण करता है। क्या माइक पे लेकर प्रोफेशनल तरीके से ड्रम म्यूजिक लगा लगा कर, यदि कैरेक्टर नहीं है तो हाल बेहाल होने वाले हैं। इसलिए दाऊद ने जब भजन संहिता लिखी प्रियो, उसके पहले अध्याय में उसने परमेश्वर की मर्जी को लिख दिया कि जब तुम परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए आ रहे हो, जब तुम अपनी आराधना से परमेश्वर को खुश करने के लिए आ रहे हो। बड़े अब बहुत सारे लोगों के मुझसे इस बात को सुनेंगे, यूहन्ना 4 उसके 24 पद में लिखा परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। ये सबसे बड़ा आराधक यहां पर आपको बात को लिख रहा है कि वो आराधक के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए। क्या लिखा है, वो धन्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक आराधक, एक वर्शिपर, उसकी एक क्वालिटी होती है। ये तीन क्वालिटी आपके और मेरे अंदर डेवलप हो, बहुत तकलीफ होगी ऐसी चीजों से दूर हटने के लिए। अभी बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही होगी कि वो व्हाट्सएप के ग्रुपों को एग्जिट करें, डिलीट करें। अरे वो तो मेरे काका का ग्रुप है, अरे वो तो मेरे भैया का ग्रुप है, अरे वो तो मेरे दोस्त का ग्रुप है। कोई आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, कोई काका नहीं, कोई दादा नहीं, कोई भैया नहीं, कोई भाई भाभी नहीं,
स्वर्ग जो लेकर जाएगा उसका नाम यीशु मसीह है, और वही आपसे कह रहा है रिमूव, एग्जिट, लीव राइट नो, अभी, कल नहीं, कल तो वो दूसरा फंडा अपनाएगा आपके लिए, अभी छोड़ दो, अभी जब मेरी आवाज को सुन रहे हो छोड़ दो, अभी ग्रुप एग्जिट करो, डिलीट करो। कोई बोले क्यों करा, उसको लिखना भजन संहिता पहला अध्याय। बोले क्या आपके ग्रुप में भजन संहिता पहले अध्याय के अनुसार काम होते हैं? कम ऑन चर्च, भजन संहिता पहला अध्याय पहला पद, मैंने आपको बताया कभी पहला पद आज्ञाकारिता को दिखाता है। जरा एक बार चिल्ला दो जरा जोर से आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, और थोड़ा जोर से आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। दूसरा पद को हम जल्दी से देखने वाले हैं, दूसरा पद क्या दिखाता है पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। लेकिन वो तीन काम नहीं करता, लेकिन वो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से, परमेश्वर की आज्ञा विधि और नियमों से प्रसन्न रहता है। जब वो परमेश्वर के वचन रहता है खुश होता है, जब परमेश्वर का गीत सुनता है वो खुश होता है, वो उससे खुश होता है, उसको खुशी मिलती है, उसको बाजार घूमने से खुशी नहीं मिलती, उसको ठट्टा करने से खुशी नहीं मिलती, उसको फालतू बातें करने से खुशी नहीं मिलती, उसको शराब सिगरेट व्यभिचार करने से खुशी नहीं मिलती, उसको तो परमेश्वर की व्यवस्था से खुशी मिलती है, उसको तो परमेश्वर के भवन में जाने से खुशी मिलती है। दाऊद अपने भजन में लिखता है इस बात को कि मुझे संसार के कई हजार दिन से उत्तम परमेश्वर की देवड़ियों का एक दिन लगता है। संसार में बिताए हुए हजार दिन दाऊद की नजर में बेकार थे, और परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर, उसके आंगन पर, उसकी चौखट पर खड़ा हुआ एक दिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगता था। आज लॉकडाउन हो गया, लोग ऐसे मरे जा रहे हैं कि जैसे जिंदगी चली गई है। अरे खुदा का धन्यवाद करो मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाया कि आप बैठकर उससे प्रार्थना कर सको, ज्यादा ज्यादा प्रार्थना कर सको। संसार के दिन के लिए रोए जा रहे हैं, अरे कब खुलेगा, अरे ये कब जाएगा वायरस, आपके और मेरे कहने से नहीं जाएगा। खुदा के साथ बैठे रहो, खुदा के साथ आराधना करो, खुदा की महिमा करो, ये संसार के हजार दिन से उत्तम है जो आप आज बैठकर खुदा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अरे यहां तो हमारी नौकरी, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, जरा सा लॉकडाउन खुलाने की इधर उधर भागना शुरू, क्या करना है भाइयों, खुदा के साथ रहने की आदत डाल लीजिए, ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। क्या सोच रहे हो कोरोना वायरस मरेगा तो, ये तो शुरुआत है, ये पीड़ाओं का आरंभ है यीशु के आगमन का, ये आगमन की शुरुआत है यीशु मसीह के, आगे देखिए आगे आगे क्या होने वाला है। इसलिए प्रभु बोल रहा है अभी आदत डालो, अभी जिन लोगों को बार बार निकलने की, थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ कि बाहर बाजार भाग रहे हैं, थोड़ा कुछ हुआ बाजार भागना शुरू, बाजार। प्रियो याद रखो ये शुरुआत है, शुरुआत है, ये खैर बोल रहे हैं यीशु आने वाला है। एक बार कहिए यीशु आने वाला है, 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 यीशु आने वाला है। तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, हे कुवारियों तैयार हो जाओ, मशालों को ठीक करो, यीशु आ रहा है, बादलों पर आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, मतलब प्रभु की संगति से प्रसन्न रहता है। दूसरी बात, भजन संहिता पहला अध्याय दो पद दिखाता है संगति को, लिख लीजिए। भजन संहिता दूसरा अध्याय क्या, दूसरा पद क्या दिखाता है? संगति को। भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा पद क्या दिखाता है? संगति को। दूसरा पद क्या दिखाता है? संगति को। सब चिल्लाएं, दूसरा पद संगति को दिखाता है, दूसरा पद संगति को दिखाता है, पहला पद आज्ञाकारिता, पहला पद आज्ञाकारिता, दूसरा पद संगति, संगति। सबसे पहले आपकी और मेरी जिंदगी में आज्ञाकारिता आती है। जब आज्ञाकारी होते हैं हम खुदा की संगति से प्रसन्न होने लगते हैं। आपको पता है कौन लोगों को वचन सुनने में मजा नहीं, अभी भाग रहे लोग, अभी लाइव ब्रॉडकास्ट से निकल निकल कर भाग रहे, क्यों? क्योंकि ये वचन वो हजम नहीं कर सकते, ये वचन उनको आर पार छेद रहा होगा, ये वचन उनके खिलाफत में है, हम ग्रुप नहीं छोड़ पाएंगे, ये तो कठिन उपदेश है, ये हम ये तो बहुत कठिन उपदेश है भैया, ये तो खतरनाक प्रचार है, हम ग्रुप नहीं छोड़ पाएंगे, हम बाहर भागना नहीं छोड़ेंगे, हम संसार को नहीं छोड़ सकते, हम अभी इस लाइव को छोड़कर चले जाएंगे, हम इस ब्रॉडकास्ट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कठिन उपदेश है। लेकिन जो सुनेगा, जो अंत तक इस ब्रॉडकास्ट में बना रहेगा प्रियो, वो आज जीवन की चाबी पाने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आप बड़ी चाबी
सफलता की चाबी प्राप्त करने वाले हैं प्रियो। हालेलुया, बड़े ही ध्यान से आप इस बात को सुनिए, वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता और है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन डे एंड नाइट मेडिटेशन करता है। आज आप और मैं किस पर मेडिटेशन कर रहे हैं? न्यूज चैनल पर मेडिटेशन, व्हाट्सएप पर मेडिटेशन, फेसबुक पर मेडिटेशन, पड़ोसी के साथ मेडिटेशन, फोन पर मेडिटेशन, लेकिन बाइबल बता रही है यहां पर कि वो तो परमेश्वर की व्यवस्था के साथ मेडिटेशन करता है, मनन करता है, उसके सोचों में परमेश्वर का वचन, उसके ख्यालों में परमेश्वर का वचन, जब वो चलता है वो परमेश्वर के वचनों को देखता है, परमेश्वर के वचनों को सुनता है। क्यों आज हमें वायरस का खौफ नहीं है? मुझे तो पता ही नहीं कि वह मार्केट में क्या चल रहा है अभी, क्योंकि मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया है। बंद है टीवी, कई साल से बंद है भाई और बहनों, इसलिए डर ही नहीं लगता। कम ऑन चर्च, क्या लिखा है यहां पर? वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो लोग आज यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे, यदि आज आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न, प्रभु की संगति से प्रसन्न रहेंगे प्रियो, कोई बीमारी, कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी, कोई समस्या आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी, कोई समस्या आपकी जिंदगी में रहने वाली प्रियो, कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में नहीं होने वाली। इसलिए बी केयरफुल रहे, सावधान रहे कि कौन सी बातें आज आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है। भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा पद संगति को दिखाता है। बोलिए, दूसरा पद संगति को दिखाता है, दूसरा पद संगति को दिखाता है। हमें परमेश्वर की संगति में रहना है। आज आपको और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रियो, अंतिम दिनों में आप और मैं, अंतिम दिनों का समय चल रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि जितना समय आपने और मुझने संसार में बिता लिया वो बिता लिया, अब ज्यादा से ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के साथ समय बिताएं, ज्यादा से ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के संगति में समय को बिताएं, ओ वचनों में, संगति में, परमेश्वर की आराधना में आप और मैं समय बिताइए प्रियो। यही कहता है, वो व्यक्ति तो रात दिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उस पर ध्यान लगाता है। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकले थे भाई और बहनों, परमेश्वर का दास मूसा मर गया था, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि आओ बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। आठ पद देखेंगे, यहोशू 1:8, उसमें लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, रात और दिन उसी में ध्यान दिए रहना। परमेश्वर ने यहोशू को एक बड़ा वायदा दिया, लेकिन उस वायदे के साथ में एक बात और थी प्रियो। यहोशू उसका पहला अध्याय पद 8 को देखिए क्या लिखा है वहां पर। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। यहोशू पहला अध्याय पद 8 क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से कभी ना, तेरे दिमाग से, तेरे मन से, तेरे विचारों से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। प्रियो, क्या आज आप अगवे हैं? यहोशू 20,00,000 लोगों की अगुवाई कर रहा है। यहोशू के सामने दुश्मन की सेनाएं हैं। यहोशू के सामने बड़ी चुनौती है। क्या आज आपके सामने दुश्मन की सेनाएं हैं? क्या आज आपके सामने बड़ी चुनौतियां हैं? हाँ है। बाहर बीमारियां, वायरस हैं, घर में रोटी और अनाज नहीं है, बड़ी चुनौतियां हैं। यहोशू को परमेश्वर ने उसका रहस्य बताया कि यदि तू इस चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, यदि तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूं, परमेश्वर कह रहा है यदि तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूं, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, ये वचन पर दिन रात मनन करना पड़ेगा तुझे। यदि आज आप चाहते हो कि परमेश्वर हर पल आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने से दूर करे, बीमारी में एक शत्रु है उसको दूर करे, तो क्या करना पड़ेगा? यहोशू 1:8 बड़ी ध्यान से क्या लिखा है वहां पर? व्यवस्था की यह पुस्तक चित से कभी ना उतरने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपके दिमाग से कभी उतरने ना पाए। आगे, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। आज दिन और रात आपका और मेरा ध्यान कहां है? क्या दिन और रात आज हमारा ध्यान टीवी में है,
क्या दिन और रात हमारा ध्यान पड़ोसी में है? क्या दिन और रात हमारा ध्यान व्यभिचार में है? क्या दिन और रात हमारा ध्यान नशों में है? क्या दिन और रात हमारा ध्यान पैसे कमाने में लगा है? क्या दिन और रात हमारा ध्यान इधर उधर की बातों में है? आज दिन में और रात में आपका और मेरा ध्यान कहां है? आज दिन और रात में मैं किन बातों के बारे में सोचता हूं? रात को सोते समय मेरे अंदर क्या विचार चलते हैं? क्या दिन में जब मैं अपने काम की शुरुआत करता हूं मेरे अंदर क्या विचार चलते हैं? रात को सोते समय मेरे अंदर क्या विचार चलते हैं? मैं आपको उसका रहस्य बता रहा हूं। जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वो दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करता है। इसका मतलब नहीं बाइबल लेकर बैठ जाओ, ये वचन आपके अंदर आ जाए चलते हुए आप मेडिटेशन कर पाए। आप बीमारी जब आपकी जिंदगी में आएगी ये वचन आपके सामने खड़ा होगा और कहेगा यीशु के कोड़े खाने से तो चंगा है। नदी समस्याएं नदी के समान आएगी तो मेरा परमेश्वर आपसे कहेगा तू जल में होकर जाएगा, नदियां तुझे डुबाने चलेगी। जब गरीबी आपका दरवाजा खटखटाएगी टक 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 टक, तब आपको वचन आएगा यीशु तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम और मैं धनी हो जाए। शैतान आप पर हमला करने के लिए आएगा, आपके अंदर वचन निकलकर बाहर आएगा और वो कहेगा मैंने तुझे सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया है। परमेश्वर अपने दूतों को तेरे मित्र आज्ञा दे जाए तू जाए वो तेरी रक्षा करे। कब ये वचन आएगा? जब इस पर मनन करेंगे। यहां जब तकलीफ आती है लोगों को फोन लगाते हैं भैया जल्दी आ जाओ, समस्या आती है कुछ भी आता है। क्यों, क्या रीजन है? ये वचन अंदर नहीं है, इस वचन में ध्यान नहीं है, इस वचन में मेडिटेशन नहीं है। यदि आज आप इस वचन पर मेडिटेशन कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं ये वचन आपके अंदर से निकलेंगे। यदि गालियों में ध्यान लगाओगे तो गालियां निकलेगी, चिंताओं पर ध्यान लगाओगे तो चिंताएं निकलेगी, व्यभिचार पर ध्यान लगाओगे तो व्यभिचार निकलेगा। जिन बातों पर ध्यान लगाओगे वही बाहर आएगा। वचन पर परमेश्वर ने कहा यहोशू 20 लाख लोग है बाबा तेरे पास में, जंगल की कलीसिया है तेरे पास में, मैं तुझे बड़ी कलीसिया दे रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया जिसमें 20 लाख लोग हैं, तुझे इतनी बड़ी कलीसिया का पादरी बना रहा हूं, मैं अगवा बना रहा हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा। जितने पादरी और अगवे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने पास्टर और अगवे हैं, यदि आज आपके अंदर में सेवकाई करने की डिजायर इच्छा है तो दिन और रात आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना पड़ेगा। मत सोचिए लोग कहां से आएंगे, मेरे लाइफ में इतने लोग कम क्यों हैं, मेरे व्यूअर्स कम क्यों हैं। अरे जब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर होगा, उसकी आज्ञा विधि नियम पर होगा, रेगिस्तान में भी मीटिंग करोगे ना वहां भी लोग आ जाएंगे, रेगिस्तान में करोगे वहां भी लोग ढूंढते हुए आ जाएंगे, आप कहीं भी जाकर अपनी मीटिंग को क्रूसेड करोगे ना लोग वहां भी आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा? यीशु जहां जहां जाता था भीड़ उसके पीछे आ जाती थी। यीशु को उन्होंने नदी में भी ढूंढ लिया, यीशु को उन्होंने झील में भी ढूंढ लिया, यीशु को उन्होंने सब दूर ढूंढ लिया, यीशु जहां जाता था बड़ी भीड़ उसका फॉल करती थी। क्यों? क्योंकि यीशु का ध्यान दिन और रात परमेश्वर की आज्ञा विधि और नियम पर था, परमेश्वर की बातों में दिन रात उसका ध्यान था। वे जहां जाते थे वो यीशु जहां जाता था लोग उसके पीछे हो लेते थे। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के प्यारे लोगों बेटे बेटियों। दूसरा भजन संहिता का दूसरा पद जो दिखाता है वो संगति है। आपको रटी होगी, तोते जैसे टक 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 बोलते होंगे, तोते के जैसे टक 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 बोलना शुरू करते होंगे या भजन संहिताओं को। क्या कभी रुक कर इस बात पर सोचा है कि भजन संहिता का पहला पद आज्ञाकारिता है, उसका दूसरा पद संगति है। पहले आपको आज्ञाकारिता में रहना है, फिर खुदा के साथ आपको संगति करना है, गहरा रिश्ता खुदा के साथ। ऐसी संगति करो कि आप न दिखाई दो, आपके अंदर ईश्वर दिखाई दे, आपकी आइडेंटिटी फिनिश हो जाए और यीशु आपके अंदर दिखाई दे, यीशु मसीह आपके अंदर दिखाई दे, यीशु मसीह आपके अंदर दिखाई दे। प्रियो जब दूध और पानी को मिक्स किया जाता है पानी की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वहां केवल दूध दिखाई देता है,
कितने लोगों ने दूध में पानी मिक्स किया है? मैं आज से आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब आप दूध के अंदर में पानी मिक्स करते हैं, क्या आपको पानी दिखाई देता है? कम ऑन चर्च, आप एक कप दूध लीजिए, एक कप पानी लीजिए, दोनों को एक गिलास में डालिए, क्या आप दूध के अंदर पानी को ढूंढ सकते हैं? कैसे? क्योंकि जब दूध के अंदर पानी मिलाया जाता है, पानी अपना अस्तित्व खो देता है और वो भी दूध के समान दिखाई देने लगता है, वो भी दूध के समान दिखाई देने लगता है। जब आप परमेश्वर में अपने आप को खो देंगे, जब आप परमेश्वर में अपने आप को डाल देंगे, जब आप परमेश्वर में चले जाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आप भी यीशु के जैसे दिखाई देने लगेंगे। आप भी यीशु के जैसे दिखाई, जब लोग आपको देखेंगे वो आपको नहीं देखेंगे, यीशु को देखेंगे। यही बात पौलुस प्रेरित ने गलातियों 2:20 में लिखी है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। आज अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दीजिए, ठोक दीजिए किलो से कि वो निकलकर बाहर ना आए। क्या एक व्यक्ति जिसे क्रूस पर ठोक दिया गया है, क्या वो उतरकर कुछ अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस पे से नहीं निकल सकता। आज यही सोचो कि मैं व्यभिचार के लिए क्रूस पर ठोक दिया गया हूं, अब मैं व्यभिचार कर नहीं सकता। अब मैं बुराई के लिए क्रूस पर ठोक दिया गया, मैं बुराई कर नहीं सकता। अब मैं झगड़े के लिए क्रूस पर ठोक दिया गया, मैं मैं उन बातों के लिए क्रूस पर ठोक दिया गया हूं, इसलिए वो बातें मेरी जिंदगी में अप्रभुता नहीं करती, वे बातें मेरी जिंदगी में अप्रभुता नहीं करती, वे बातें मेरी जिंदगी में अप्रभुता नहीं करती। वे बातें अब मेरी जिंदगी में प्रभुता नहीं करती, क्योंकि मैं उन बातों के लिए अब क्रूस के ऊपर मैं चढ़ा दिया गया हूं। हालेलुया, आप और मैं उन बातों के लिए क्रूस पर अब चढ़ा दिए गए, अब वे बातें हमारी जिंदगी में प्रभुता न करें, अब ये बातें हमारी जिंदगी में प्रभुता न करें, ये बातें हमारी जिंदगी में प्रभुता न करें। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता उसका पहला अध्याय 2 में लिखा है, वो दिन और रात उसमें ध्यान दिए रहता है। क्या आज आप और मैं दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं? क्या आज आप और मैं मेरा ध्यान दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पर लगाए? यदि नहीं तो फिर आज से हम शुरू करें। दूसरा पद जो है वो परमेश्वर की संगति को दिखाता है। सब लोग मेरे साथ कहिए, दूसरा पद परमेश्वर की संगति को दिखाता है। पहला पद आज्ञाकारिता, बोली पहला पद आज्ञाकारिता, दूसरा पद संगति। जल्दी से तीसरे पद की ओर चलें, क्या लिखा है तीसरे पद में? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। प्रियो, वो व्यक्ति जो आज्ञाकारिता में रहता और संगति में रहता है, वो उस वृक्ष के समान होगा। आप यदि फलने की तमन्ना करते हैं, यदि आज आप आशीष की तमन्ना करते हैं, यदि आज आपकी जिंदगी में आज्ञाकारिता नहीं तो आशीषों को भूल जाइए। यदि आज आपकी जिंदगी में संगति नहीं है खुदा की, तो आप आशीषों की तमन्ना करना छोड़ दीजिए। कई लोग बिना आज्ञाकारिता पापमय जीवन बिता रहे हैं, गंदगी में जीवन बिता रहे हैं और बोल रहे प्रभु आशीष दे। एपोस्टल जी, हम कब से आपको फोन कर रहे हैं, कितनी बार प्रार्थना करा ली, हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। किसी से भी प्रार्थना करा लो भैया, हमारी मिनिस्ट्री क्या, दुनिया भर के पादरियों से प्रार्थना करा लो, कुछ नहीं होगा। यदि पहली बात आपकी जिंदगी में आज्ञाकारिता नहीं है, दूसरी बात यदि आप खुदा की संगति में रहना पसंद नहीं करते हैं, जब आपको खुदा की संगति में रहना पसंद नहीं है तो उससे आशीष भी क्यों पसंद आ रही है? जब आप परमेश्वर को ही पसंद नहीं करते हैं तो उसकी चीजों से क्यों प्रेम है आपको? यदि आप परमेश्वर की संगति में रहना नहीं चाहते तो उसकी आशीषों में क्यों जीवन हम बिताएं? दूसरी बात उसकी संगति में रहना, तीसरी बात जब उसकी संगति में रहेंगे आप तब तीसरी बात जिंदगी में आएगी आपकी, ऐसे नहीं आएगी। पहली बात सब लोग ध्यान से सुनिए, आज्ञाकारिता, उसके बाद दूसरी बात संगति, और जब आज्ञाकारिता और संगति आपकी जिंदगी में आएगी तो आपको तीसरी बात मांगने की जरूरत नहीं होगी, आपको आशीष मांगने की जरूरत नहीं होगी। घुटने टेक के प्रभु नौकरी दे, प्रभु बच्चा दे, प्रभु ये दे वो दे, ये दे वो दे, ये नहीं होगा। कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके मांगने से पहले मेरा खुदा आपके घर भेज देगा, आपके मुंह खोलने से पहले आपके पास चीज होगी। जिस बात की हमारे अंदर डिजायर होती है, मेरा परमेश्वर उन सारी चीजों को घरों के अंदर भेज देता है, घरों के अंदर भेज देता है, घरों के अंदर भेज देता है।
पूछ लीजिएगा लोगों से फोन लगा लगा कर, हम फोन लगा लगा कर लोगों से पैसे नहीं मांगते फिरते हैं, हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। हमें पता है यदि हम आज्ञाकारिता में हैं, यदि हम संगति में हैं, तो तीसरी बात ऑटोमेटिक मेरी जिंदगी में पूरी की। चिल्ला कर कहे तीसरी बात आशीष, कहिए तीसरी बात आशीष, तीसरी बात आशीष ऑटोमेटिक ही मेरी जिंदगी में आएगी, ऑटोमेटिक हमारी जिंदगी में आएगी। प्रियो, क्या पेड़ मेहनत करने जाता है? क्या आपने कभी किसी पेड़ को मेहनत करते हुए देखा है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पेड़ को मेहनत करते हुए नहीं देखा। पेड़ जमीन से जुड़ा होता है, वो अपने आप फलता है। पेड़ जमीन से जुड़ा होता है, वो अपने आप फलता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पेड़ों को जाकर मेहनत करते नहीं देखा। पेड़ों का काम होता है केवल जमीन से जुड़े होना। यदि आज आप आज्ञाकारिता से जुड़े हो, यदि आज आप संगति में जुड़े हो, तीसरी बात ऑटोमेटिक होगी, तीसरा काम ऑटोमेटिक होगा। क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, वो बहती नाली के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान व्यक्ति है जो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया अपने शत्रु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। याद रखिए, सुनो 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 सुनो, लॉकडाउन में भी फलता है वो। बाइबल बताती है जो व्यक्ति आज्ञाकारिता में रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति में रात और दिन ध्यान लगाता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? वो व्यक्ति उस पेड़ के समान होता है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। सूखे में भी उसको किसी बात करने की चिंता नहीं है। अकाल में अभी, अरे लॉकडाउन का पैसा कहां से आएगा, लॉकडाउन का पैसा कहां से आएगा, हमारा तो काम बंद होगा, हमारा ये बंद होगा, वो रोता नहीं फिरेगा, वो रोता हुआ नहीं फिरेगा। अरे स्वर्ग बंद थोड़ी हुआ है, दुनिया बंद हुई है। क्या लिखा है बाइबल के अंदर में? स्वर्ग बंद हो गया। बाइबल स्वर्ग खुलने की बात करती है, लेकिन बाइबल कभी स्वर्ग बंद होने की बात नहीं करती। निकाल कर दीजिए मुझे वचन, कमेंट बॉक्स में डालिए कि कहां आपने पढ़ा कि बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग बंद हो गया। यीशु जब बपतिस्मा लेकर आया, स्वर्ग खुल गया। याकूब ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, सीढ़ी को आते हुए देखा। पतरस ने आकाश को खुला, चद्दर को आते देखा। क्या बंद होते हुए किसी ने देखा? क्या बंद होते किसी ने देखा? मैं आज आपसे प्रश्न करता हूं, क्या किसी ने बंद होते हुए देखा? स्वर्ग खुले हुए की बात करता है। स्वर्ग खुल चुका है आपके और मेरे लिए। स्वर्ग उन व्यक्तियों के लिए खुल जाता है जो आज्ञाकारिता में, स्वर्ग उन व्यक्ति के लिए खुल जाता है जो संगति में है। यदि आज संसार आपके लिए बंद है, रोइए मत, स्वर्ग बंद नहीं है। स्वर्ग का कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता, स्वर्ग का कभी कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता। कम ऑन चर्च, स्वर्ग आज आपके और मेरे लिए खुला है। आशीष इधर है, आपका ध्यान किधर है भाई और बहनों? भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहन मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल रखा है आपके लिए। भाई बड़े ध्यान से सुन, परमेश्वर ने स्वर्ग तेरे लिए खोल रखा है। बहन परमेश्वर ने स्वर्ग तेरे लिए खोल रहा है। कहां ध्यान है आज आपका? कम ऑन चर्च, कहां ध्यान है आपका? आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर ने स्वर्ग आपके लिए खुला रखा है। अरे दुनिया बंद हुई है भाइयों, संसार के काम बंद हुए हैं, स्वर्ग तो अभी भी खुला है ना, स्वर्ग बंद नहीं हुआ है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? स्वर्ग से। मनुष्य मेरी सहायता नहीं करता, स्वर्ग। एलिया नबी अकाल में था, खाना कहां से आ रहा था? राजा के घर से। राजा के घर से खाना आ रहा था मेरे भाई और बहनों। एलिया नहीं चिंता कर रहा था, भाई प्रभु जी पानी तो बंद करा दिए हो, आकाल करवा दिए हो, अब मैं कहां से खाऊंगा? एलिया को परमेश्वर ने कहा था, सुन मैंने कौवे को बोला है। एलिया बोले, बाप रे प्रभु किसको बोल रहे हो आप? कौवा कभी किसी को खाना देता है क्या? लेकिन याद रखिए कौवे भी मेरे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। चिल्लाकर कहिए, कौवे भी मेरे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। जितने लोग अपने घरों में चिल्लाकर कह रहे हैं इस बात को, कौवे भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर उनके घर में कौवों को भेज रहा है खाना को लेकर। ओ ऐसे बहुत सारे कौवे इस इंदौर शहर में, ऐसे बहुत सारे कौवे आपके शहर में जो आपके लिए भोजन उपलब्ध कराने वाले हैं, जो आपके लिए भोजन उपलब्ध कराने वाले। कम ऑन चर्च, ऐसे बहुत सारे कौवे हैं जो आपके लिए भोजन उपलब्ध कराने वाले। कम ऑन चर्च, रिया नामा शेकेने मेंडेलेबे लेकेला बुरुकु नमासी अंटेलेबे, ऐसे बहुत सारे कौवे हैं जो आपके लिए भोजन उपलब्ध कराने वाले। रिखा नामा शेकेने मेंडेलेबे लेलेलेले बुरुशान थलबा, रिया नमासा नमन थेलेबे लेले बरुकु नमासी अंटेलेबे,
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारे कौवे हैं जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए भेज रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे प्रियो जो आपके लिए आशीषों का कारण होने वाले हैं प्रियो। इसलिए बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को सुनिए। यदि वो व्यक्ति आज्ञाकारी है, यदि वो व्यक्ति संगति में रहता है, तीसरी बात ऑटोमेटिकली उसकी जिंदगी में आएगी। तीसरी बात के लिए रो मत, तीसरी बात मांगेगा नहीं वो। आपको आशीष मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आशीष के लिए रोना नहीं पड़ेगा। मैं आपको अपने घर की गवाहियां दे चुका हूं। आपको मेरे लीडर्स लोगों को कॉल करके पूछेगा, प्रेयर टावर में कॉल करके पूछना आपने गवाहियां मेरी जिंदगी की। इस लॉकडाउन की गवाहियां सुनोगे, पांव से पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर हमारी जिंदगियों में दे रहा है, और मेरी प्रार्थना है वही गवाहियां आपकी जिंदगी में आए यीशु मसीह के नाम से। वही गवाही आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम। यदि आपका आमीन ऊंचा तो आशीष ऊंची होने वाली है। यदि आपका आमीन आपका पड़ोसी सुनता है तो आपका आमीन आपका परमेश्वर भी सुनता है, इन द नेम ऑफ जीसस। आपका आमीन आपका पड़ोसी सुने, आपका आमीन आपका परमेश्वर सुने, इन द नेम ऑफ जीसस। रिबा सीखे, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आपका आमीन आपका पड़ोसी सुनने पाए प्रियो। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, यदि एक व्यक्ति जिसके अंदर में आज्ञाकारिता है, भजन संहिता पहला अध्याय ही आपको और मुझे बात को समझा देता है। दाऊद वहां रहस्य को बता रहा है, चिल्ला चोट करने से फायदा नहीं होगा यदि आपकी जिंदगी में आज्ञाकारिता नहीं है। चिल्ला चोट करने से फायदा नहीं होगा यदि आपकी जिंदगी में संगति नहीं खुदा के साथ में। तीसरी बात ऑटोमेटिक आपके घर के दरवाजे तोड़कर आ जाएगी। क्या लिखा है तीसरी बात में, फिर से पढ़ेंगे। उस वर्ष के समान, वो उस वृक्ष पेड़ के समान, वो उस दरख्त के मानिंद है जो है पानी के किनारे अपने अरमान में। हाँ, आगे क्या लिखा है? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। आप और मैं बहती नाली के, बहती नदी के, जल की नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान है। हाँ, और अपनी शत्रु में फलता है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते, जिसके बोलिए आप कभी बोलो कभी कभी मुरझाते नहीं, मुरझाते नहीं। यहाँ पर दिन नहीं है, यहाँ पर तारीख नहीं, यहाँ पर समय नहीं। कभी का मतलब हमेशा, कभी का मतलब हमेशा बोलो, कभी का मतलब हमेशा, कभी का मतलब हमेशा बोलो, कभी का मतलब हमेशा, कभी का मतलब हमेशा। आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, बोलिए मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, बोलो मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। ठंड में, ठंड में, बारिश में, बारिश में, गर्मी में, गर्मी में, लॉकडाउन में, लॉकडाउन में, फुल डाउन में, हाफ डाउन में, कोई सा भी डाउन हो, कोई सा भी डाउन हो, हमारे पत्ते नहीं मुरझाएंगे। या लिखा है कभी नहीं मुरझाते हैं, बोलिए कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मुरझाते। आपको बड़े ही ध्यान से इस बात को समझनी है। यहां पर लिखा कभी भी आपके पत्ते नहीं मुरझाएंगे। आप शायद लॉकडाउन में या फुल डाउन में, याद रखो आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। मेरा परमेश्वर जो लिख दिया सो लिख दिया। मैं परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर विश्वास करता हूं। मेरे लिए ये आखिरी आखिरी निर्णय है, मेरे लिए आखिरी निर्णय है, ये फाइनल जजमेंट है मेरा। लिखा है कभी नहीं मुरझाते मतलब कभी नहीं। आप जो भी डाउन आना है आने दो, चाहे आकाश टले चाहे पृथ्वी टले, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। चाहे जो मर्जी हो, हम परिस्थिति को देखकर नहीं चलते हैं, हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। प्रभु आपने लिखा कभी नहीं मुरझाएंगे, नहीं मुरझाएंगे। कई लोगों ने मुझसे कहा जाओ अपने घर चले जाओ, कई लोगों ने कहा घर होकर आ जाओ, घर होकर आ जाओ। मैंने बोला जीना यही मरना ही, घर जाके क्या करूंगा, जिसको मैं छोड़ चुका वहां क्यों जाना है। इसलिए आज लॉकडाउन है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जिसकी सेवा करते हो वही खिलाएगा। मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं वो खिलाएगा। Amen. आप जिसकी सेवा करते हो वो खिलाएगा आपको। उसकी चिंता है, उसको चिंता है आपकी और मेरी, मेरी चिंता नहीं है। मैं आज्ञाकारी हूं, मैं संगति में हूं, वो खिलाएगा। कहां से? आकाश से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इजरायली लोगों को जंगल में खाना कहां से आता था? इजरायली लोग जंगल में खाना कहां से खाते थे? इजराइल लोग जंगल में खाना कहां से खाते थे? बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, वहां लिखा है हर दिन रात में ओस के साथ में मन्ना गिरता था। हर दिन 40 साल तक कभी मन्ना गिरना बंद नहीं हुआ।
मैं विश्वास करता हूं कितने ही समय का लॉकडाउन क्यों ना हो, परमेश्वर की आशीष गिरना बंद नहीं होगी। आमेन। परमेश्वर की आशीष गिरना बंद नहीं होगी। आपका ध्यान किधर है? क्या आज आपका ध्यान खुदा के वचन पर है या संसार की बातों पर? ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये संसार की बातें हैं। ये कहता है मत डर, कुछ नहीं होगा तुझे, मत डर, कुछ नहीं होगा। ये कहता है आने वाले 2 हफ्तों में आप कोरोना वायरस वालों की बड़ी बड़ी गवाही सुनेंगे यहां पर लाइव में आकर। आने वाले हफ्तों में इसी लाइव चैनल पर सब लोग सुन लो, अभी मुझे काफी सारे लोग वाच कर रहे हैं पूरी दुनिया से, सुन लीजिए, मैं इधर भविष्यवाणी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आने वाले इसी लाइव चैनल पर मैं इसी लाइव ब्रॉडकास्ट पर कोरोना वायरस वाले पेशेंटों की गवाही दिलवाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। आपका आमीन ऊंचा हो, आपका पड़ोसी ने कोरोना वायरस वाले पेशेंट आकर यहां गवाही देंगे कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। सुन लीजिए, कोरोना वायरस वाले पेशेंट आकर लाइव में कहेंगे, यहां पर लाइव ब्रॉडकास्ट में आकर कहेंगे मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। आपका ध्यान किधर है? मेरा परमेश्वर इधर है। कम ऑन चर्च, आप और मैं जीवित यीशु मसीह की सेवा करने वाले मनो, मरे हुए यीशु की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम जीवित यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, पुनरुत्थित यीशु की सेवा कर रहे हैं जो तीसरे दिन जी उठा और आज वो जीवित है और वो शेरे बबर है। कम ऑन चर्च, हारा हुआ कमजोर जीवन जीना बंद कर दीजिए, अधिकार की सेवा का अधिकार का जीवन जीना शुरू कीजिए। पहली बात आज्ञाकारिता, दूसरी बात संगति, ये 2 बातें होगी, तीसरी बात ऑटोमेटिक हो जाएगी। जिस परमेश्वर ने इजरायली लोगों को 40 साल तक मन्ना खिलाया, 40 साल तक ना तो उनके वस्त्र फटे, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना जूते फटे। आपके भी वस्त्र पुराने नहीं होंगे, आपके जूते फटेंगे, याद रखिएगा, आपके वस्त्र पुराने नहीं होंगे, आपके जूते नहीं फटेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा आपकी जिंदगी में। तीसरी बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो है आशीष। सब लोग कहे आशीष, सब लोग कहें आशीष, जोर से कहें आशीष। पहली बात आज्ञाकारिता, पहला वचन में क्या है? क्या ही धन्य है वह पुरुष, पहले वचन में है आज्ञाकारिता, दूसरे वचन में है संगति, दूसरे वचन में क्या है? संगति। तीसरे वचन में है आशीष। बोलो सबसे पहले आज्ञाकारिता, सबसे पहले आज्ञाकारिता, सबसे पहले आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, दूसरा आज्ञाकारिता के बाद में संगति, संगति और उसके बाद आशीष, आशीष। हालेलुया। जब आज्ञाकारिता आपकी जिंदगी में आएगी, जब संगति खुदा के साथ आपकी गहरी हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली आशीषित होते चले जाएंगे, आपके अकाउंट्स भरे रहेंगे, आपके खत्ते, आपके तेल की कुपियां, सब कुछ भरा रहेगा और उमड़ता रहेगा। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे। आप बांटोगे लोगों को, ले जाओ, तुमको चाहिए लो, तुमको चाहिए लो, तुमको चाहिए लो, तुमको चाहिए लो। हालेलुया, आप देने वाले बनोगे, आप देने वाले बनोगे। हमारी मिनिस्ट्री जिन लोगों को देती है वो खुद जानते हैं, हमने किसी प्रकार की पब्लिसिटी नहीं करी आकर कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि कितने सारे लोग इस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीषित हुए हैं, उनके घरों में राशन आए हैं, उनके घरों में उनकी उनकी जरूरतों के सामान पहुंचे हैं, और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट पहुंचा है। कितने सारे लोग, गिनती नहीं है प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला देने वाले बनोगे, मैंने लेते जाओ। मेरा परमेश्वर हमें इसलिए आशीषित किया है ताकि हम दूसरों को दे सके। मेरी जिंदगी में हमेशा एक बात को मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए आशीषित किया है ताकि मैं दूसरों को दे सकूं। आप इसलिए आशीषित प्रिय हों ताकि आप दूसरों को दे सके। परमेश्वर ने आपको इसलिए तो आशीष दिया है, परमेश्वर इसलिए तो आपको संपन्न किया है ताकि आप दे सके। ले 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 नहीं, दे वाले बन जाएंगे ना तो पीछे का गेट खुलेगा और भर कर आना शुरू होगा। कम ऑन चर्च, आपका हालेलुया ऊंचा हो तो आपका पड़ोसी सुने, आपका पड़ोसी आपका हालेलुया सुनेगा, आपका परमेश्वर आपका हालेलुया सुनेगा। कम ऑन, चिल्लाएं हालेलुया। तीसरी बात मैंने आपको सिखाई आशीष के बारे में, हालेलुया। जल्दी से देखिए, थैंक यू होली स्पिरिट। रियाना माशा के मेंटेले बेले बोरो शोतो ना मेंटेले बे, 3 बातें मैं आपको सिखाई, रिबाना माशा कंटेले बरबो कोनो माशा केटेले बे। अगला पद देखिए, चौथा पद, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं। त्रिबा बाबा शेके ने मंडले बेले बुकोनो नमा मामा रिया नमा शेके ने मंडले बेले लबोरु कोनो नमा मामा रिया नमा मंडले बेले लेले बरु कुनो नमा सिके तेरे में। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। रिबा बाबा बाला शेके ने मंडले बे, परमेश्वर यहाँ दुष्टों के बारे में बात कर रहा है। क्या पढ़ी ध्यान से, क्या लिखा है?
फिर से पढ़िए। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, हाँ? वे उस भूसी के समान होते हैं, हाँ? जो पवन में उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है, हाँ? इसके कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। हाँ, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात बोली परिणाम। परिणाम, सब बोली परिणाम। परिणाम, बोलो रिजल्ट। रिजल्ट, चौथी बात रिजल्ट है। रिजल्ट, चौथी बात रिजल्ट है। चौथी बात रिजल्ट है। चौथी बात रिजल्ट है। रिजल्ट है प्रियो, चौथी बात हमारी जिंदगी में रिजल्ट आता है। हर एक की जिंदगी में रिजल्ट आता है। भजन संहिता पहला अध्याय है, यहां पर बहुत सारी बातों का खुलासा करता है प्रियो। भजन संहिता पहला अध्याय हमने ध्यान से समझ लिया प्रियो, तो हम अपनी जिंदगी में एक बड़ी आशीष को पाएंगे। पहला पद आपको और मुझे आज्ञाकारिता को दिखाया, दूसरा पद आपको और मुझे संगति को दिखाया, तीसरा पद आपको और मुझे आशीष के बारे में दिखाया, चौथा पद रिजल्ट के बारे में दिखा रहा है कि आखिर में आपकी और मेरी जिंदगी में रिजल्ट क्या होगा, आखिर में आपकी और मेरी जिंदगी में क्या रिजल्ट होना चाहिए। प्रियो बड़े ध्यान से रिजल्ट को सुने। इस रिजल्ट को सुनाने के बाद में मैं आज के संदेश को विराम देने वाला हूं। ध्यान से सुने रिजल्ट को, क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं, दुष्टों की बात हो रही, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। पहले धर्मियों की बात थी, अब दुष्टों के, हाँ? ऐसे नहीं होते, हाँ? वे उस भूसी के समान होते हैं। वो तो भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। जो पवन से क्या की जाती है, उड़ाई जाती है। हाँ जी, इस कारण, हाँ? दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रहेंगे। आज आप देख रहे हो दुष्ट लोग न्याय के सामने स्थिर नहीं रहते, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रहते। ओ, हत्या करने वाले स्थिर नहीं रह पाते, चोरी करने वाले स्थिर नहीं रह पाते, पाप करने वाले स्थिर नहीं रह पाते। आपको बड़े ध्यान से देखना है, आप यहां पर रिजल्ट को देख रहे हैं, आप धर्मी के रिजल्ट को देख रहे हैं, आप दुष्ट के रिजल्ट को देख रहे हैं। प्रियो क्या आज हमारी जिंदगी में रिजल्ट होने वाला है, आज क्या हमारी जिंदगी में रिजल्ट होने वाला है। प्रियो परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चा तैयारी करता और एग्जाम देता है ताकि उसे एक रिजल्ट मिले। प्रियो आज भजन संहिता पहला अध्याय उसका 4 और 5 वचन आपको रिजल्ट बता रहा है। यदि हम आज्ञाकारी नहीं है, संगति में नहीं है, रिजल्ट क्या होगा? यदि हम आज्ञाकारिता में है, संगति में, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट बड़े ध्यान से सुने, फिर से मैं पढ़ने के लिए कहूंगा, फिर से पढ़िए आप दोनों पद को, 4 और 5 को। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे आज्ञाकारी नहीं होते, वे संगति नहीं रखते। आगे, वे उस भूमि के समान होते, वो उस भूसी, सोचो गेहूं की जो भूसी होती है वो भूसी के समान होते हैं। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ा, जो हवा में उड़ जाती है। आप देखो भूसे को झटकते हैं, हवा में उड़ जाता है, लेकिन गेहूं का दाना है वो नहीं उड़ता। जब गेहूं के दाने को क्रश करते हैं, मसलते हैं और आप किसी बर्तन में उसको रखते हैं, आप उसको हिलाएंगे, भूसी उड़ जाएगी हवा में, लेकिन दाना वहीं रहेगा। प्रियो दुष्ट लोग भूसी के समान है और धर्मी लोग उस गेहूं के दाने के समान है। क्या आज हम भूसी के समान है या गेहूं के दाने के समान है? लोग भूसी को जलाने के लिए देते हैं, गेहूं के दानों को बटोर कर रखते हैं। परमेश्वर अंत में ऐसा ही करेगा, परमेश्वर अंत में ऐसा ही करेगा। वो गेहूं को तो, अनाज को तो अपने खत्ते में भरेगा, लेकिन भूसी अनंत आग में जलाने के लिए दी जाएगी। दाऊद ने भजन संहिता 1 में आ प्रभु के बड़े रहस्य को प्रकट किया है। आपने 1000 बार पढ़ा होगा भजन संहिता 1, लेकिन आज पवित्र आत्मा की नजर से देखिए। भजन संहिता 1 बता रहा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर गेहूं को तो अपने खत्तों में रखेगा, लेकिन जो भूसी है, जो भूसा है, जो कचरा है, वो अनंत आग में जलाया जाएगा। आज आप कहां हैं? क्या आज आप गेहूं की कैटेगरी में हैं या गेहूं की भूसी है? भूसी क्या होती है? भूसी वो कवर होता है जो धर्मी को ढांप लेता है, पकड़ लेता है, कवर कर लेता है और दिखता है धर्मी जैसा, लेकिन जब न्याय होगा, जब उसको मसल कर देखा जाएगा, तो पता चलेगा इसके अंदर क्या है। कमोन चर्च, कमोन चर्च, आपको और मुझे कैसे होना है? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। आगे क्या लिखा है? इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। याद रखिएगा, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। प्रियो 4 और 5 पद आखिरी बात को आपको मुझे दिखाता है प्रियो, वो है परिणाम, वो है रिजल्ट। भजन संहिता आपको मुझे रिजल्ट भी दिखाती है। धर्मी बहती नाली के किनारों के समान ब्लेसिंग्स को पाएगा प्रियो, और दुष्ट
भूसी के समान हवा में उड़ा दिया जाएगा। आज मैं आपको उत्साहित और इंकरेज करता हूं, मेरे भजन से तब पहले अध्याय से आपसे कुछ बातों को किया है। सबसे पहली बात मैंने जो आपको समझाई है कि परमेश्वर धर्मियों के और पापियों के मार्ग को जानता है। आज अपनी जिंदगी के हर एक कार्यों को इस नजर से देखें कि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर की नजर मुझ पर है, सीसीटीवी टीवी के कैमरे से बढ़कर परमेश्वर मुझे देख रहा है। वो कह रहा है मैं धर्मियों के मार्ग को जानता हूं, मैं पापियों के कामों को जानता हूं। आज परमेश्वर आपके और मेरे मार्गों को जानता है। आखिरी पद छठे पद में लिखा है धर्मी परमेश्वर यहोवा धर्मियों के मार्गों को जानता है लेकिन दुष्टों के मार्ग को वो नष्ट करता, दुष्टों के मार्ग का अंत हो जाता है। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे प्यारे बेटे बेटियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, जो भी परमेश्वर के लोग प्यारे हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपको इस बात को समझा रहा है कि परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है। मैं शायद नहीं जानता, आपके पापा मम्मी नहीं जानते, आपके पड़ोसी नहीं जानते, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है, परमेश्वर आपके काम को जानता है, परमेश्वर आपकी बातों को जानता है। आप जो कुछ कर रहे हैं आज, मेरा परमेश्वर जानता है। बड़ी ईमानदारी से सुन लीजिए, परमेश्वर जानता है। तो सबसे पहली बात, भजन संहिता पहला अध्याय पहले पद में लिखा है आज्ञाकारिता। क्या लिखा है? आज्ञाकारिता। दूसरा पद दिखाता है संगति। सब बोले, पहला पद आज्ञाकारिता है, मुझे आज्ञा माननी है। दूसरा पद संगति, मुझे संगति करनी है। तीसरा पद आशीष, तीसरा पद है आशीष। और चार और पांच पद जो है वो है परिणाम, वो है रिजल्ट, वो है परिणाम। यदि आज आपको भजन संहिता एक अध्याय का मतलब समझ में आ गया है प्रियो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों से को कहें कि जाओ जल्दी से भजन संहिता एक को देखो। ये आपके और मेरे लिए आशीष भी है, आपके और मेरे लिए रिजल्ट भी है। सब कुछ दाऊद में उसमें लिख दिया कि दिखावटी आराधना बंद करो, धर्म का चोला दिखावटी, हम बहुत धर्मी है। ये भजन संहिता एक अच्छे अच्छों को खोल के रखेगा। आज्ञाकारिता, संगति, आशीष, रिजल्ट, आखिरी पद में लिखा है परमेश्वर मार्ग को जानता है। हम मनुष्य नहीं जानते, कोई मनुष्य नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके मार्ग को जानता है। आज मैंने आपसे भजन संहिता पहले अध्याय से बात करी है। पहले अध्याय को आप बड़ी गंभीरता से लीजिएगा प्रियो। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान को दिया है। यदि अब तक आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो बाइबल आपको मुझे बात को बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा, परमेश्वर उसे अनंत जीवन देगा। प्रियो, दाऊद भी इसी विषय में बताता है। प्रियो, जितने नबी पुराने समय में आए वो इसी विषय में बताते हैं, और मैं भी परमेश्वर का प्रेरित आपको इसी विषय में बताता हूं। यदि अब तक आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आप अभी कहें कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धारकर्ता है, मेरे जीवन में आ जाइए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे जाएं, गाड़े जाएं और यीशु मसीह के साथ जी उठें। प्रियो, प्रियो, जब उस जी उठे यीशु मसीह को आप अपनी जिंदगी में बुलाते हैं, तो आप भी अपने मरे हुए कामों से जी उठते हैं। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह की संगति में आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाइए, उस प्रभु यीशु मसीह के पास में जो आपको अनंत जीवन देता है। वो आपको अनंत जीवन देने के लिए बुलाता है। भजन संहिता एक यही बताता है, आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में रहना है, आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहना है, आपको प्रभु यीशु मसीह की आशीषों में रहना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के रिजल्ट में रहना है। प्रभु यीशु मसीह आपके मार्ग को जानता है। प्रियो, मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि आज आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए आपको अपने पास बुला रहा है, आपको अपने पास बुला रहा है। मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। आज मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन और बहुतायत का जीवन देने जा रहा है। प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मेरी विनती और प्रार्थना, जितने भी भाई बहनों ने आज वचन सुना, ये वचन इनकी जिंदगी में सौगुना फल लेकर आए। प्रभु, इनके घर परिवार बाल बच्चे सर्कल में सौगुनी आशीषों, तुम्हारे अकाउंट बटवे जेबे खत्ते तेल कुपियां हमेशा भरी पूरी रहे और किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। पिता, आज का वचन आपके बेटे बेटी और सुनने वालों की जिंदगी में सौगुना फल लेकर आए। वचन को चुराने वाली हर एक शैतान के सामर्थ को तोड़ता हूं,
वचन को चुराने हर शैतान के अधिकार को तोड़ता हूं, वचन को चुराने शैतान के हर एक कार्य को नष्ट करता हूं। इसी वक्त अपनी चंगाई को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में, अपनी आजादी को प्राप्त करें यीशु मसीह में। बी डिलीवर, बी फ्री, बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त तुम्हारे फाइनेंस रिलीज हो रहे हैं, इसी वक्त तुम्हारा मन परिवर्तित हो रहा है, इसी वक्त परमेश्वर की नम्रता, दीनता और प्रेम आपकी जिंदगी में आ रहा है, इसी वक्त परमेश्वर की परिपूर्णता आपकी जिंदगी में आ रही है, इसी वक्त आज्ञाकारिता आपकी जिंदगी में आ रही है, इसी वक्त संगति परमेश्वर की आपकी जिंदगी में आ रही है, इसी वक्त आशीष आपकी जिंदगी में आ रही है, इसी वक्त परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में आ रहा है। रिसीव इन जीसस माइटी नेम। आई ब्रेक द पावर ऑफ सैतान, आई ब्रेक द पावर ऑफ सिकनेस, आई ब्रेक द पावर ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर के लोगों, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आशीषित हो जाओ। मसीह जो महिमा की आशा है तुम गारे अंदर वास करे, पवित्र आत्मा तुम पर नियंत्रण ले। भर जाओ परमेश्वर की आशीष से यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ परमेश्वर के चमत्कारों से, भर जाओ परमेश्वर के प्रेम से, भर जाओ परमेश्वर के अनुग्रह से। इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू होली गोस्ट, रिसीव इन जीसस माइटी नेम। पिता अभी तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए, अभी और इसी वक्त प्रभु मैं तेरे लोगों को आशीष देता हूं, ये तेरी आत्मा सामर्थ अभिषेक से भर जाए और तेरी महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सबका आमीन, हालेलुया, सब चिल्लाए आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं बहुत खुश हूं सचमुच, जितने लोग आखिरी तक बने रहे, मेरा परमेश्वर आपको हजार गुना आशीष दे। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर भी आपसे बहुत प्रेम करता है। सचमुच आप प्यारे लोगों हो, सचमुच मैं दिल से आपसे प्रेम करता हूं कि आप लोग आखिरी तक बने रहते हैं। प्रियो मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बड़ा है, आप बहुत उन्नति और तरक्की करें। प्रियो मैं सचमुच आप लोगों से मिलकर बहुत खुश होता हूं, आप लोग आते हैं और प्रभु के वचन के साथ समय बिताते हैं, उसकी संगति के साथ समय बिताते हैं, आप संसार को लात मारकर प्रभु के पास में आ जाते हैं, आप संसार को छोड़कर प्रभु के पास में आते हैं। सचमुच इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा, इसका प्रतिफल जरूर आपकी जिंदगी में आएगा और मेरा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा। हालेलुया, मैं बहुत खुश और आनंदित हूं आपके लिए, मैं बहुत खुश और आनंदित हूं आपके लिए। प्रियो थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रिबा नामा से खेने मैं बेले के बेले लबो रुबो नामा मामा। मैं बहुत कॉल कर रहे हैं, प्लीज ऑनलाइन कॉल ना करें, लाइव ब्रॉडकास्ट में डिस्टर्बेंस होता है। यदि आप चाहते कि मैं आपको लाइव स्क्रीन पर बुलाऊं आपके लिए प्रार्थना करूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव स्क्रीन पर बुलाऊं और आपके लिए प्रार्थना करूं, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी से आपको ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के सामने बुलाने वाला हूं और आप और सब लोगों के सामने मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और यदि आप लाइव में आना चाहते हैं, अपने पास में हेडफोन जरूर रखें, हेडफोन आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि आपकी आवाज मैं सही से सुन पाऊं। यदि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव में बुलाऊं और आपके लिए प्रार्थना करूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, मैं आपका भी लाइव पर बुलाता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। टेस्टमनी है, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपका जो कमेंट बॉक्स है उसके पास में ग्रीन कलर का सिग्नल आ रहा होगा, जहां कमेंट आप करते हैं उसके पास में ग्रीन कलर का सिग्नल आ रहा होगा और सिग्नल पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे इनविटेशन मेरे पास में आएगी। उस सिग्नल पर आप क्लिक करें, सीधे इनविटेशन मेरे पास में आएगी और मैं फिर आप लोगों के लिए आपको लाइव में बुला सकता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, जल्दी से थैंक यू होली स्पिरिट। बहन जमुना, क्या ऑनलाइन है आप? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कौन है रिंका, बताओ मेरे को आप? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। करण को मैं ज्वाइन कर रहा हूं अभी, करण को ज्वाइन कर रहा हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। जल्दी से ज्वाइन करें आप भी, आप ज्वाइन करें उधर से, ज्वाइन करें।
हेलो जय मसीह की भाई, थोड़ा सा फोन और पास में रखिए ताकि आपको मैं देख पाऊं। हाँ, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हाँ ठीक, भाई जय मसीह की। क्या नाम है आपका? करण तांडी नाम है मेरा। भाई करण तांडी है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप करण भाई? फिलहाल मैं एमपी से मंदसौर जिले से बात कर रहा हूँ। मंदसौर जिले से भाई करण तांडी आपके मेरे साथ में जुड़े हुए। भाई करण बताइए, क्या प्रार्थना करें आपके लिए? मांगने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस परमेश्वर से इतना चाहता हूँ कि मैं पूरे जिंदगी परमेश्वर का भय मानते हुए जी सकूं। वाओ, रिया नमा से इंतेले बेल लबो शका नमा इंतेले बेल लबो रुबो नमा सिके। भर जाइए भैया, परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है, इसी वक्त परमेश्वर के आत्मा से भर जाइए। पावर ऑफ होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, मेरा परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को अपने पवित्र भंडार से पूरा करे। आमेन। पावर ऑफ होली गोस्ट आत्मा से भर जाए, सामर्थ्य से भर जाए, रिसीव इन जीसस माइटी नेम। मेरा परमेश्वर दिखाता है भैया, 50 दिन के अंदर जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, 50 दिन 50 डेज के अंदर में आप टेस्टिमनी के साथ आने, यीशु मसीह के नाम में आमेन। 50 दिनों में आप टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस, 50 डेज, 50 दिनों में आप गवाही के साथ आएंगे। इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप संभाल कर रखना, 50 दिन के अंदर मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ी गवाही देने जा रहा है, इन जीसस माइटी नेम। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, आमेन। आई रिसीव, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर आपसे बहुत कुछ है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है 50 दिन के अंदर में। डायरी पर लिख लेना, दीवार पर लिख लेना, कैलेंडर पर लिख लेना, तारीख नोट कर लेना, इस ब्रॉडकास्ट को काट कर अपने पास रख लेना, जो बोला है वो होकर रहेगा इन जीसस माइटी नेम। आमीन, आमीन बोलिए, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे लोगों को जल्दी से लेने वाला हूं लाइन पर, सभी लोग तैयार रहे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पूजा भाभी का था क्या? थैंक यू होली स्पिरिट। रिया नमस एंड टेले बेले ले लबो रुको नमस एंड टेले बेल लबो रुको नमन डेले बेले लबो रुको नमस एंड टेले बेले लेबे। जल्दी से ज्वाइन करें, ज्वाइन करें, ज्वाइन करें, ज्वाइन करें, ज्वाइन करें। जिसके पास रिक्वेस्ट आती जल्दी से ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन करें। रिबो नमस सखा नमन टेले बेले ले लबो सखा नमन। हेलो, हेलो, जय मसीह की भाई, नाम बताइए अपना। ब्रदर, मैं इमानुएल मसीह बोल रहा हूँ उड़ीसा से। भाई इमानुएल मसीह, जय मसीह की, कैसे हैं आप? ठीक है भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु के अनुग्रह में। बताइए क्या क्या गवाही आपकी जिंदगी में, क्या प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप? ब्रदर, जिस दिन से हम लोग मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, मिनिस्ट्री को देख रहे, इतना आशीषित हो रहे हैं, हर एक दिन हमारे जीवन में गवाही होते जा रही है। और कल रात की सपना मैंने एक दर्शन देखा, जहाँ की मैं कहीं गया हुआ हूँ और वहाँ बहुत ढेर सारे शेर हैं, जैसे कि दानियल की जिंदगी में हुआ था, उस जेल की कोठरी में, कि प्रभु आए और शेर की मुंह को बंद किया। मैं जस्ट उसे ही उसी प्रकार से मैं उस शेरों को आदेश दे रहा हूँ चुप होने के लिए। वो गरज रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं आदेश दे रहा हूँ चुप हो जाओ करके। यीशु के नाम से मैं तुमसे आदेश देता हूँ। उसी क्षण वो लोग अपना मुंह को बंद कर लिए और मैं उसके मुंह को, उसके थूतने को जाके बंद कर रहा हूँ और वो चुप हो के। वाह वाह, ऑसम। शांति प्रदर्शनी दोनों हमारे साथ लाइव पर हैं और भाई इस टेस्टिमनी को दे रहे हैं कि जिस दिन से ये लोग इस सेवकाई में जुड़े हैं और जिस दिन से इन्होंने वीडियो देखना शुरू किया, हमारी शिक्षाओं को फॉलो करना शुरू किया, उस दिन से इनकी जिंदगी में आशीषें हैं। हालेलुया। और ये दर्शन को देखना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने दर्शन में और स्वप्न में देखा कि शेर काफी सारे हैं और इन्होंने शेरों के मुंह को बंद किया। हालेलुया, बहुत अच्छी गवाही भैया। अब अपनी जॉब की गवाही देना चाहते हैं? जी, मेरे जॉब का गवाही देना चाहता हूँ। मतलब मेरे साथ भी मेरे और भी कई दोस्त गया था और आज
लगभग हो गया, आज में 7 दिन हो गया। मुझे पहले इन सारी बातों की भाषा का वरदान तो और जिन जिन सपनों को मैं देख घटते जा रहा है और जो देख रहा हूँ वो हो रहा है, मेरे इंस्टेंट हो रहा है मेरे लाइफ में। गुजरे कल की बात है, अब मैं प्रेयर कर रहा था दोपहर के समय में और मैंने देखा और पवित्र आत्मा से भरने के बाद में लगातार इनके मुंह से अन्य भाषाएं निकल रही है और लगातार इनकी जिंदगी में आशीष आ रही है। जो दर्शन खुदा दिखा रहा है, जो स्वप्न दिखा रहा है, वो जिंदगी में पूरे होते चले जा रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं, आज आप स्वप्न दर्शनों से भरने जा रहे हैं, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वे सेम अनॉइंटिंग, सेम ग्रेस, सेम ब्लेसिंग रिसीव इन यस माय लॉर्ड। अभी आपने रियानामा से केनेमेंटेल टेस्टमनी को सुना है। मैं और भी लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूं ताकि लाइव में आप लोगों को के सामने मैं देखना चाहूं कि थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। बहन जमुना, मैं आपको लाइव पर ले रहा हूं। बहन जमुना ज्वाइन करो जल्दी से, बहन जमुना ज्वाइन करें, बहन जमुना ज्वाइन करें। जिनके पास ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन करें जल्दी से, बहन जमुना ज्वाइन करें। बहन जमुना ज्वाइन करें, बहन जमुना ज्वाइन करें जल्दी से। शायद वो नहीं कर पा रही है ज्वाइन, बहन जमुना ज्वाइन नहीं कर पा रही है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कम लोग हैं यहाँ पर, जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं प्लीज आपके कमेंट बॉक्स के पास में एक ऑप्शन आ रहा है, कमेंट बॉक्स के पास में ग्रीन कलर का एक ऑप्शन आ रहा है, आपके कमेंट बॉक्स के पास में ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है, आपके कमेंट बॉक्स के पास में ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है। सब लोग देखिए इधर, आपके कमेंट बॉक्स में ग्रीन कलर का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, वो ग्रीन कलर के ऑप्शन पे आप दबाइए, वहां पर इनविटेशन जाएगा आपका, रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आएगा, और जैसे आप रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे वो यहां पर ऐड हो जाएगा मेरे पास में, आप ऐड हो जाएंगे यहां पर, और जैसे आप ऐड होंगे मैं आपको स्क्रीन पर बुला लूंगा, जैसे आप ऐड होंगे मैं आपको स्क्रीन पर बुला सकता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मैंने ऑप्शन भेज दिया है एडिंग के लिए, ज्वाइन करिए, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, जल्दी से, जल्दी 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 ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन का ऑप्शन दबाइए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रियाना मा सखाना मन ठेले बेले लेले बरोशतो न मा रखाना मन ठेले बेले लेले बर रियाना मा सिखेने मन ठेले बे। थैंक यू होली स्पिरिट, ज्वाइन कीजिए जल्दी से, मैं काफी सारे लोगों को रिक्वेस्ट डाल रहा हूं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं लोग, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रुबो नमः केने मेंटले बेले लेले लेले रुबो नमः मामा मंडले बेले लेले बरिया नमः केने मेंटले बेले बुरु कुनो मासी अंतलबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली। बहन पूनम ओहरी, आप लाइव हैं, लाइव में ज्वाइन कर सकती हैं आप, तो मैं लाइव में ले लेता हूं आपको, लाइव में ज्वाइन कर सकती है, मैं आपको लाइव ज्वाइन करवा सकता हूं मैं। थैंक यू होली स्पिरिट,
थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपको रिक्वेस्ट दे सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते हैं। कम ऑन चर्च रिबो नामा शंटेले बेले बोरो कोना नामा शिकेंटेले बेले ले ले बोरो। आपके पास जब मेरी रिक्वेस्ट आती है आप उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है? आपने उसको ज्वाइन कर देना है, आप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन करें भाई कृतेश, आपके पास में ज्वाइन की लिंक आ रही है, आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे तुरंत। ज्वाइन का ऑप्शन आता है, आप डरिए मत, ज्वाइन कीजिए तुरंत। Thank you, Holy Spirit. Ribu nama shikene mentele belelebu. Ribu nama mama shikene mentele belelebu. Thank you, Holy Spirit. फिर से आप सेंड करें। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं फिर से रिक्वेस्ट को सेंड करें अपने मोबाइल से। मोबाइल से रिक्वेस्ट को सेंड करिए, अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट को सेंड कर दीजिए जल्दी से। मोबाइल से इनविटेशन सेंड कीजिए, अपने मोबाइल से इनविटेशन को सेंड कीजिए, रिक्वेस्ट को सेंड कर दीजिए। अपने मोबाइल से इनविटेशन को सेंड कीजिए जल्दी से। सिस्टर किरण को मैं ऐड कर रहा हूं, मैं। थैंक यू होली स्पिरिट। आपके पास में ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए जल्दी से। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की सिस्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, रहने वाली झारखंड की हूँ। Praise the Lord, sister. कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सिस्टर मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि आप हमेशा हमारे लाइव प्रोग्राम को देखती हैं और हमारे लाइव पर रहती हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। क्या विषय है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, बताइए। मुझे अपने मम्मी के लिए प्रेयर कराना है, वो गांव में है झारखंड में, मैं दिल्ली में हूँ। आप दिल्ली में हैं, आप ठीक हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ अभी। Praise the Lord. मैं आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना करूंगा सिस्टर, और आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आप लगातार हमसे जुड़ी हुई, लगातार हमारे ब्रॉडकास्ट पर आती हैं आप। मैं आप दोनों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, ठीक है? आंखें बंद कीजिए। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी बेटी के लिए और उनकी मम्मी के लिए। इसी वक्त प्रभु आपके स्वर्ग दूत यीशु मसीह के नाम में आपकी मम्मी के पास में जाए, यीशु मसीह के नाम से। आपकी मम्मी बहन बहन किरण मेरी आवाज को सुनिए, प्रभु कुछ दिखा रहा है मुझे। Yes, yes, yes. प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके मम्मी के पांव दिखा रहा है परमेश्वर मुझे। yes, पैर में दर्द होता है। पांव में परमेश्वर मुझे आपकी मम्मी के पांव को दिखा रहा है। वो क्या समस्या है आपकी मम्मी के पांव में? उसके पैर में दर्द होते हैं। मम्मी के पांव दर्द होते हैं, बहुत दिनों से दर्द है। सही है, इसका मतलब परमेश्वर सही दिखा रहा है। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसी वक्त परमेश्वर इस बहन के, परमेश्वर इस बहन के मम्मी के पांव, बी हील नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम निकलो बाहर, के पांव को छोड़कर चले जाओ, बहन के मम्मी के पांव छोड़कर चले जाओ, गेट लॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, बहन के मम्मी के पांव चंगे हो जाए। इसी बार बोन्स ब्लड टिश्यू सेरिपस भी हील नेम ऑफ जीसस। पिता आपने इसकी मम्मी के पांव दिखाए, और मैं जानता हूं यदि तू कुछ दिखाता है तो तू चंगा करने वाला परमेश्वर। बहन आपकी मम्मी के पांव इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। पिता मेरी प्रार्थना है कि बहन भी भले चंगी स्वस्थ हो, रिसीव ब्लेसिंग। बहन परमेश्वर की आंख आप पर आ रही है, बहन मैं परमेश्वर की आंख को आपके सिर पर देख रहा हूं,
मैं परमेश्वर की आंखों को आपके सिर पर देख रहा हूँ। फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस, फायर। आप आग से भरो, आग महसूस हो रही है आपको, आप आग से भरो, आप आग से भरो, अभी आग महसूस हो रही है आपको, अभी आग महसूस हो रही है आपको। परमेश्वर की आग बहन आपकी जिंदगी में आए और आग आपकी जिंदगी को बदले। मेरी ये ब्लेस रहे पिता, हमेशा आशीषित रहे यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। एक आग को मैं देख रहा था, आप बताइए क्या महसूस कर रही थी जब प्रार्थना हुई आपके लिए? मुझे लग रहा था जीसस मुझे छू रहे हैं। वाओ, अभी आप पसीना, आपको शायद आ रहा होगा, पसीना आया होगा आपको शायद आग में, आपको गर्म लग रहा होगा, हीट हीट कैसा लग रहा था? एक्सपीरियंस को शेयर किया, कैसा महसूस कर रही थी आप? गर्म लग रहा है, वाओ, प्रिया नमस्ते केने मेंटेले पे, हालेलुया, गर्म महसूस हो रहा है। तो प्रियो, ये बहन, ये प्रेजेंस है परमेश्वर की, ये प्रेजेंस है परमेश्वर की जो आपके ऊपर में आई है ताकि आप परमेश्वर की आशीषों से भर सके। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रिया नमस्ते केने मेंटेले पे लबो शिखेने में रंदले बेले कलबो रबो नामा शिखे रेमे रेमबेले बेले केले बेले लबो रबो नामा शिखेने मेंटेले पे। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। गवाही भी देना है मुझे, गवाही भी देना है, गवाही देना है मुझे, गवाही दीजिए। संडे मीटिंग में जब हम प्रेयर लाइफ में थे तब मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा था, और जैसे आप प्रेयर कर रहे थे वैसे मैं भी प्रेयर की जीसस से कि मेरा पेट तुरंत ठीक हो जाए, और 5 मिनट भी ना हुआ मेरा पेट तुरंत ठीक हो गया, बहुत पेन हो रहा था। सब लोग इस गवाही को सुन रहे हैं कि बहन बता रही है कि जैसे हम लोग प्रार्थना करते वैसे ही बहन ने प्रार्थना किया और बहन के पेट का दर्द चला गया। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर बहुत ही आशीषित गवाही है आपकी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस गवाही के लिए, और मैं बहुत खुश हूं इस गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं बहुत आशीषित हूं बहन आपकी गवाही को सुनकर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, हमेशा बने रहिए प्रभु में, बाय। Come on, church. मैं और भी लोगों को लाइव में लेने वाला हूँ, जल्दी से तैयार हो जाइए। यदि अभी तक आप इसको डाल दीजिए, आप लोग जल्दी से ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट डालिए। आपके कमेंट बॉक्स में साइड में एक ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, एक ग्रीन जलता हुआ ऑप्शन, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक रिक्वेस्ट जाएगी मेरे पास में, और रिक्वेस्ट से मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा जल्दी से। मैंने बहन किरण को ऐड किया, अभी आपको भी ऐड करना चाहता हूं मैं, ताकि मैं आप सब लोगों से बात कर सकूं, आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। जल्दी से मैं चेक कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, बहुत कम लोग उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। बहन जमुना को भी मैं ऐड करना चाह रहा हूं, लेकिन वो भी ऐड नहीं हो पा रही है, ऐड नहीं हो पा रही, आप शायद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बहन जमुना मैं आपको लेता हूं एक बार फिर से, कोशिश करता हूं कि आप ऐड हो पाए। एडिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, बस आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए बहन जमुना, ज्वाइन कीजिए। जो लोग ऑनलाइन में ज्वाइन होना चाहते हैं, प्रभु का आत्मा आपको छूने वाला है, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बहन पूनम ओहरी, आप उसके साइड में जो बटन आ रहा है, फोन देना आपका, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए, ये आपके कमेंट बॉक्स में जो ये जो ऑप्शन आ रहा है यहां पर देखिए, ये ग्रीन कलर का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ग्रीन कलर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ग्रीन कलर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ग्रीन कलर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सब लोग इस ग्रीन 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 कलर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ग्रीन कलर के ऑप्शन पर, ये ग्रीन कलर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सब लोग। जैसे ही आप ग्रीन कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सीधे रिक्वेस्ट मेरे पास में आ जाएगी। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप लिखेंगे भी नहीं, और यहाँ देख रहा हूं मैं बहुत कम लोग यहाँ पर ऐड हैं, बहुत कम लोग ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट।
जल्दी से आप डालेंगे, मैं जल्दी से आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। बहुत कम वहां से रिक्वेस्ट भेज दीजिए आप, मैं ले लूंगा आपको। रिक्वेस्ट भेजिए जल्दी से। थैंक यू होली स्पिरिट। रिया नमा शकेने मेंटेले बेले ले 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 बर। रिया नमा शकेने मेंटेले बेले ले 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 बर। रू नमा। बहुत कम लोगों यहाँ ज्वाइनिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, बहुत कम लोगों का ज्वाइनिंग ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि आपने शायद ऑन नहीं करके रखा है इसलिए, क्योंकि बाकी लोग तो ऑन है आपके। थैंक यू होली स्पिरिट। जल्दी से बहुत सारी प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर आप लोगों के लिए दे रहा है, बहुत सारी प्रोफेसिस परमेश्वर दे रहा है, बहुत सारी हेलिंग्स आपको दे रहा है, बहुत सारे बातें परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाह रहा है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्यों नहीं हो रहा इनका? थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। 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 बहन बहन जमुना, फिर से मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। बहन जमुना, फिर से मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। बहन जमुना, आपके पास में एडिंग का ऑप्शन आ रहा है, जिसके पास एडिंग का ऑप्शन आता है प्लीज उसको ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए। आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे सीधे आप स्क्रीन पर सामने आ जाएंगे। ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, जल्दी से ज्वाइन पर क्लिक कीजिए, जल्दी से ज्वाइन पर क्लिक। अब हो गया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मेरा तो तबीयत खराब है, तो पैर, दोनों पैर फुला हुआ है। दोनों पैरों में समस्या है आपके? हाँ जी, दोनों में स्वेलिंग हुआ है और आज बुखार लग रहा है। मैं लेटी हुई थी। ओके 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 ओके। अभी 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 पैरों में स्वेलिंग है आपके? अभी है स्वेलिंग पैर में। और दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? आंखें बंद कीजिए। अभी अभी दर्द भी जा रहा है, स्वेलिंग भी जा रही है। आंखें बंद कीजिए। पिता, मेरी प्रार्थना है इसी वक्त बहन जमुना के पांव का दर्द, हर एक सूजन यीशु के नाम निकल बाहर। हर एक दर्द और सूजन यीशु के नाम निकल बाहर। हर एक दर्द और सूजन यीशु के नाम निकल बाहर। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। बहन जमुना अभी चंगाई को प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम में। बहन जमुना अभी चंगाई को प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम में। बहन जमुना अभी चंगी हो जाओ। Be healed, name of Jesus. 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 I command the mighty name of Jesus. All the sickness, all the weakness, all the power of darkness, come out in the name of Jesus. Sar dard, sujan, bimari da atma, yeshu ke naam niklo bahar. Behan, abhi aapke paon ka dard ja raha hai. Aapki paon ki sujan ja rahi hai. अभी अभी इसी वक्त मेरा परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर की आग के द्वारा रिसीव द पावर ऑफ हीलिंग, रिसीव द पावर ऑफ हीलिंग, रिसीव द पावर ऑफ हीलिंग। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं संपूर्ण चंगाई की घोषणा करता, बहन के पांव में सूजन ना हो, बहन के पांव में सूजन ना हो, बहन के पांव में सूजन ना हो, यीशु मसीह के नाम में। बहन, आपके पांव चंगे हो रहे हैं, घुटने चंगे हो रहे हैं, पांव चंगे हो रहे हैं, घुटने चंगे हो रहे हैं, पांव चंगे हो रहे हैं, घुटने चंगे हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी वक्त बहन आपके पांव चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आगे चलिए बहन, आगे चलिए, चल के देखिए, थोड़ा चल फिर करके देखिए, चलिए चलिए चलिए, चल फिर करके देखिए, वॉक कीजिए, वॉक कीजिए, वॉक कीजिए। अभी ठीक लग रहा है। धन्यवाद यीशु। चंगाई देने के लिए धन्यवाद। कितने समय से समस्या थी बहन आपको? कितने समय से समस्या थी आपको? ये पहले से ही था, पहले से ही था, तो ये कभी बढ़ जाता है कभी।
बढ़ेगा नहीं बहन, अब वो हमेशा ठीक रहेगा आज के बाद, आप चेक करके देखना। दूसरी बात, कितने समय से था फिर भी, एक साल, दो साल, दो महीने, एक महीने, कुछ बता सकती है आप कितने दिनों से? दो साल जैसे हो गया था। हाँ बहन जमुना, दो सालों से पांव के दर्द से परेशान थी, दो सालों से पांव की समस्या से परेशान थी, लेकिन अभी वो अपने पांव में आराम को महसूस कर रही, चंगाई को महसूस कर रही है, और परमेश्वर ने बहन जमुना के पांव को चंगा कर दिया। भाई और बहनों सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहन जय मसीह की, बाय बाय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, वेरी गुड। आपने अभी देखा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बहन जमुना के पांव को चंगाई दे दी है। आप ऑप्शन आ रहा है आपके कमेंट बॉक्स में, ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से उस पर क्लिक करो ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से लाइव ब्रॉडकास्ट पर बुला सकूं और मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, आपके आपको लाइव ब्रॉडकास्ट पर बुलाऊं और आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। यदि आप लाइव ब्रॉडकास्ट पर आना चाहते हैं तो आप इन्विटेशन भेजिए, इन्विटेशन भेजिए, इन्विटेशन भेजिए, इन्विटेशन भेजिए जल्दी से। ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। नदीम रोबिन कह रहे हैं ज्वाइन ऑनलाइन। अरीना राय ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। तो बहन आप ब्लू कलर के बटन को भेजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, जिसके पास में ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है क्लिक कीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सर। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम चची है और बहन साची करती हूँ दिल्ली से। सब लोग देखिए ध्यान से, बहन साची जो है वो दिल्ली से हैं और ये बैंक में जॉब करती है। बहन साची, बहन साची बताइए कैसी हैं आप और क्या प्रार्थना करें आपके लिए? हाँ मैं इसलिए प्रार्थना करना चाहूंगी, वैसे तो परमेश्वर ने मेरी रक्षा करी, मैं एक ही दिन के लिए बीच में गई उस समय जब एक कंटेमिनेटेड पर्सन हमारी ब्रांच में आया था, बट फिर भी मुझे थोड़ा फीवर और सिम्टम है इसलिए मैं क्वारंटीन हूँ और घर में बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट परमेश्वर चंगा करता जा रहा है, करता जा रहा है। Today is your healing day. All the symptoms gone in the name of Jesus. सारे जो जो झूठे लक्षण है शैतान की ओर से ना वो गायब होने वाले हैं। कोई वायरस, कोई महामारी का वायरस आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा बहन। आज से अभी आप क्या महसूस करिए बताइए, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या हो रहा है अभी आपको? दर्द है, तकलीफ है, समस्या है, क्या लग रहा है अभी आप बताइए? कुछ दिनों से दर्द और बॉडी एक था मुझे, फीवर भी था, पर परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कम, अब मेरा कम है काफी, आज सुबह से बेहतर था, थोड़ा बुखार बढ़ा मेरा पर फिर भी कम है, 100 से कम चल रहा है अभी। अभी शरीर में कहीं दर्द है आपको? प्रार्थना से कहीं तकलीफ है? नहीं अभी कोई दर्द नहीं, अभी कोई दर्द नहीं है, थोड़ी सी कमजोरी है पर दर्द नहीं है। भारीपन लग रहा है? हाँ, है थोड़ी शरीर में। हाँ जी। खुदावन यीशु मसीह के नाम में बहन अभी इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करे, बहन अभी चंगाई को प्राप्त करे, रिसीव हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक कोरोना वायरस की सामर्थ को मैं नष्ट करता हूँ, कोरोना वायरस की सामर्थ को नष्ट करता हूँ, कोरोना वायरस की सामर्थ को नष्ट करता हूँ। आई break the power of COVID in the name of Jesus. I break the power of COVID-19 in the name of Jesus. Hey, बीमारी के आत्मा, कोरोना वायरस की गंदी आत्मा, शैतानी आत्मा, यीशु के नाम बहन की जिंदगी से निकल बाहर, यीशु के नाम बहन की जिंदगी से निकल बाहर। Be healed. Bones, be healed. Blood, be healed. All the body organ, be healed in the name of Jesus. 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 बहन अभी आप चंगी हो रही यीशु मसीह के नाम में, अभी आप चंगी हो रही यीशु मसीह के नाम में, अभी आप चंगी हो रही यीशु मसीह के नाम में। Be healed. फिर निकल बाहर, 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 निकल बाहर। Leave now. Leave. Leave.
लीव लीव छोड़ इसको, निकल बाहर इसके शरीर से, शरीर से बाहर निकल, छोड़ छोड़ गंदे शैतान, ए दुष्ट आत्मा छोड़ इसको, छोड़ गंदी आत्मा, छोड़ इसको, निकल बाहर, चल डाउन कर अपने आप को, डाउन पीछे के पीछे जाओ, पीछे के पीछे जाओ, जाओ अभी अभी निकल इसके शरीर से, हर एक दुष्ट आत्माएं अभी बाहर आओ बहन के शरीर से, हर एक दुष्ट आत्माएं कोविड 19 की दुष्ट आत्मा, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा बाय फायर बाहर आओ, बाय फायर बाहर आओ, 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 लीव नाउ यीशु के नाम में, लीव नाउ, चल निकल निकल निकल, निकलो 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 निकलो, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ये बेटी यीशु मसीह की है, ये बहन यीशु मसीह की है, मैं इसी वक्त इस बहन के शरीर में छुटकारे की घोषणा करता हूं, अभी फ्री जीसस नेम, 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 मैं चंगाई छुटकारे आशीष की घोषणा करता हूं इस बहन की जिंदगी में, पूरी रीति से यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन। मैं गवाही देना चाहूंगी, मुझ पर पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूं आप? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, और मैं गवाही देना चाहूंगी कि पवित्र आत्मा ने मुझ पर छुआ, जो मैं कई बार मीटिंगों में देखती थी कि लोग कैसे हिलते हैं, मैंने वो महसूस किया आज। वाह वाह, सब लोग बड़े ध्यान से सुनो, बहन बता रही है कि कई बार बहन मीटिंगों में देखती है कि जब पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगी में आता है, लोग हिलते हैं और उनकी बॉडी में वाइब्रेशन होता है, लेकिन आज बहन बता रही है कि परमेश्वर की आत्मा ने बहन को छुआ और रिबाशेकेनेमेंटेलेबे, और बहन ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य स्पर्श को अपनी जिंदगी में पाया। बहन आप कैसा महसूस कर रही है? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि एकदम मैं ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल पसीना आके भी ठीक हो गई हूँ, पसीना आ गया आपको, बोलो धन्यवाद यीशु। और देखिए सब लोग देखिए, बहन हाथों में पसीना, चेहरे पे पसीना, पवित्र आत्मा की आग, देखो मैं आपके आपके लाइव में देख रहा हूँ, ऊपर पंखा चल रहा है, पंखा देख लो सब लोग, जितने भी लोग लाइव में है, बहन का पंखा दिखाई दे रहा है, पंखा चल रहा है, देखिए बहन ने पंखे में भी पसीना निकल रहा है, आग लग रही है, हालेलुया। तो सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि बहन क्वारंटाइन थी, और क्वारंटाइन में जो जो लक्षण बहन की बॉडी के अंदर में हो रहे थे, लेकिन अभी बहन ने अपनी चंगाई को पा लिया है। बहन आप कैसा महसूस करी, जरा सब लोगों को बताइए। बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कैसे हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक ही महसूस कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे ना कोई वीकनेस है ना कुछ। धन्यवाद, बिल्कुल फाइन हो गया। मैं सच बताऊं, थी कि कैसे होता होगा, क्या पता मुझे कभी मिलेगा कि नहीं। बिगेस्ट टेस्टिमनी, आप सोचती थी हमेशा कैसे होता है कैसे होता है, लेकिन आज परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम कर दिया है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बहन प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपको लेकर की प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय करें, इंजॉय करें, सब कुछ खाइए, सब कुछ पीजिए, आप ठीक हो चुकी हैं, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत आनंदित हूं अभी की इस गवाही को देखकर, किस प्रकार बहन बैंक में जॉब करती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन बैंक की बैंक में आया, शरीर में कुछ अजीब से लक्षण होना शुरू है, फीवर होना शुरू हुआ, बॉडी में पेन था, लेकिन अभी लाइव आपने देखा है किस प्रकार परमेश्वर ने बहन को छुआ, परमेश्वर की आत्मा ने बहन को छुआ, आपने लाइव में देखा है, पंखा ऊपर चल रहा था, लेकिन आप वहां लाइव में देख सकते हैं कि बहन पसीने से तर थी, वो कह रही कि मैंने मीटिंगों में देखा था कि कैसे होता है, लेकिन आज उन्होंने प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में देखा है और परमेश्वर ने उनको चंगा किया। आप इस बात की लाइव गवाही को देखे हैं प्रियो, इसलिए यदि अभी आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लाइव में प्रार्थना करूं, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स के साइड में एक ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस ऑप्शन पर क्लिक करें और जल्दी से मुझे रिक्वेस्ट दें ताकि मैं आपको लाइव में बुला सकूं। और आज यदि आप चाहते कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हो, तो जल्दी से आ जाओ ताकि मैं आपको आपके मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। कम ऑन चर्च, जल्दी से मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और देख लेता हूं कितने लोग आ रहे हैं, मैं उनको भी ले सकता हूं लाइन पर। बहन रजनी, बहन रजनी वर्मा, बहन रजनी वर्मा आ जाओ जल्दी से लाइन पर।
मैन रजनी जल्दी से लाइन पर आ जाए। ज्वाइन करिए, ज्वाइन कीजिए बहन रजनी, ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन कीजिए। राज सिंघानिया, यदि आप ऑनलाइन प्रार्थना करना चाहते हैं तो लाइव ऑप्शन पर इनविटेशन भेजिए। जितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्लीज इनविटेशन तो भेजिए। आप इनविटेशन नहीं भेजेंगे तो मैं आपको एड नहीं कर पाऊंगा। आपके पास इनविटेशन का ऑप्शन है, आपके पास इनविटेशन का ऑप्शन है, आपके हाथों में इनविटेशन का ऑप्शन, जल्दी से क्लिक कीजिए। बहन रजनी, मैंने आपको इनविटेशन भेजा, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, प्लीज मैं फिर और किसी को ट्राई करता हूं। राज सिंघानिया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। ज्वाइन करने के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, इतना आसान है कि बच्चा भी कर सकता है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, क्यों नहीं कर पा रहे नहीं पता। जब मैं आपको ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ, आप ज्वाइन का ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लगभग मैंने सब लोगों के लिए, सिनाई भाई, सिनाई सुरीन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सिनाई सुरीन, मैंने एक्सेप्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। लाइव छोड़कर इधर उधर भागोगे तो ज्वाइन का ऑप्शन पता नहीं चलेगा, लाइव पर रहोगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में, ज्वाइन कीजिए। आप ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे पता नहीं मुझे। भाई सिनाई सुरीन, मैंने आपको ज्वाइन लाइव मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए लिंक भेज दिया है, आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो हो जाएंगे। लाइव आपकी स्क्रीन पर ज्वाइनिंग लिखा हुआ आता है, आपकी स्क्रीन पर ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है, फिर मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि आप नहीं ऐड हो पा रहे हैं। अमन मान, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, रिक्वेस्ट मैंने भेजी आपको। लाइट में आ जाओ मेरे भाई, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, फ्रॉम टू चंडीगढ़ नियर पंजाब बिल्कुल। चंडीगढ़ पंजाब से भाई अमन मान हमारे साथ जुड़े हैं, और अमन मान क्या करते हैं आप? सर मैं अभी तो मेरी जॉब चले गई जी लॉकडाउन में, पहले मैं अच्छी काम कर रहा था स्विगी कंपनी को, अभी जॉब मेरी चलेगी तो मुझे काफी दुख है। यस सर, और मैं प्रभु की सेवकाई में अभी सेवा करने के लिए अभी तैयार हो रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, और बाकी बाइबल्स पढ़ता हूँ, पवित्र आत्मा भी है और भविष्यवाणी भी, जैसे प्रभु अगुवाई करता है भी उनके बारे में तो पूरी होती है। Wow. तो भी मैं आपसे बात करके, आपके संडे को आपका जो मीटिंग सुनी, वर्शिप सुना, तो मुझे बहुत आनंदित हुआ मैं, तो मुझे प्रभु का धन्यवाद है भैया, प्रभु को महिमा मिले। जैसे कि मुझे एक एक गाइडलाइंस अच्छी मिले, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने आपको एक बुक की रिक्वेस्ट भेजी तो फोन से भी ट्राई किया, प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आशीष दें, आशीष दें अमन भाई। हाँ जी, आप बहुत अच्छा महाराष्ट्र से अच्छा वचन को प्रभु को आनंदित और मगन होने के लिए आप हमें उत्साहित करते, और परमेश्वर आनंद देगा और ब्लेस किया है हमारे जीवन में, अंधकार को दूर किया हमारे जीवन में। बहुत खुश हूँ आपके टेस्टिमनी को सुनकर, आपकी आपकी इस टेस्टिमनी को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ भैया कि आपने वचन को है ना, तो मैं बहुत आनंदित हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई अमन, कि प्रभु ने वचन के द्वारा आपकी जिंदगी में काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई प्रार्थना निवेदन हो तो बताइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
रिक्वेस्ट है सर, मेरी एक जॉब है लेकिन मुझे जॉब है ना वो मिल नहीं रही है, जैसे कि मैं उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ और वो जॉब है मेरी अभी मिल पा नहीं रही है, और जिसकी वजह से मुझे काफी अभी बेला रहना घर में, थोड़ा सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या प्रभु तू मेरे साथ है तो ये चीजें मेरे अगर जीवन में आ रही है ना तो मैं इनको सहन कर लूंगा। तो जैसे भजन संहिता के बारे में आपने वन के बारे में बताया, ठट्ठा करने वालों की संगति में मत बैठो, लेकिन इन चीजों में मैं पहले बुराई में चलता था और अंधकार में चलता था, साल पहले की बात है। सातवें महीने में मैंने बैप्टिज्म लिया और प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने मेरे पे अनुग्रह किया और आज मैं जितने भी मेरे फ्रेंड है, मित्र है, सर्कल है, उनको मैं प्रभु का वचन बांटता हूँ और उनको देता हूँ, प्रभु इनको भी बचा। और मैं मेरी रिक्वेस्ट है मैं भी अच्छी जॉब मिले मुझे, कोई 15-20 हज़ार की, मैं अपनी फैमिली का खर्चा उठा सकूँ। जरूर मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है भैया, आंखें बंद कीजिए। पिता मेरी प्रार्थना इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव ब्लेसिंग रिखाना मानसन थेले बेले ले 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 बरिया नमोशो को, आई ब्रेक द पावर ऑफ सैतान। पिता आपका बेटा आपकी आत्मा सामर्थ अभिषेक से भर जाए, रिसीव ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका बेटा उन्नति करे, तरक्की करे, संपन्न हो, फलवंत हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Receive blessing in the name of Jesus Thank Christ. You, Receive blessing in the name of Jesus Christ. Thank Receive you, fire. Receive fire. Receive fire. Receive fire. Power in the name of Jesus. भाई परमेश्वर आपको अपनी आग से भर रहा है। Power in the name of Jesus. इसी वक्त फायर हो रही है आपके अंदर में, इसी वक्त आग बह रही है, जो आग में महसूस कर रहा हूं वही आग आपकी जिंदगी में आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस। वही आग आपकी जिंदगी में आ रही है मेरे भाई, वही आग आपके सिर से लेकर पांव तक बह रही है, आप आग से भर रहे हो। फायर, 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 पवित्र आत्मा की आग, हिल रहे हो आप, हिलना शुरू, हिलना शुरू, हिलना शुरू, टच, टच, और रबाशन लबाशे किरु बाबा बाशन करी बाबा बोला बाबा लबाशे रीना बाबा सूर्य बाबा लाराशन देरी बाबा शुभ रबाखला Thank you, Holy Spirit. मेरा परमेश्वर को इस जोर पाए परिवाला मेरे अपनी आत्मा से पाला मस्ती के अंतले पे। Thank you, Lord Jesus. ये परिवार को ब्लेस करने जा रहे हैं। Thank you, Lord. आपकी जिंदगी को ब्लेस करने जा रहे हैं। आपकी महिमा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Yes, sir. Hallelujah. Hello. Hello. क्या हुआ भैया प्रार्थना में आपके साथ में? My wife. मेरा अभी काफी मैं हल्का हुआ ऐसे लगा जब मेरे कुछ ऐसा लगा जी मेरे पर कोई वजन था। हां जी सर, आपके पर कोई वजन था लेकिन प्रार्थना में कुछ मूवमेंट हो रहा था आपकी बॉडी में जी। अभी भी मेरे पेट में पवित्र हो रही है जी, पवित्र अभी ऐसा हो रहा था जैसे कि हां जी अभी मुझे टच करी मेरे पेट को। वाओ, आपने अभी देखा कि भाई जब प्रार्थना हो रही थी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कैसे हिल रहे थे, आपने देखा ना ऑनलाइन में कैसे हिल रहे थे, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ भाई के ऊपर में आई और भाई आजाद हो। भैया कैसा लग रहा है, बिल्कुल फ्री? यस सर, यस, होली स्पिरिट वेलकम। थैंक यू जीसस। भाई अमन मान, प्रभु आप मेरे बहुत आशीष दे। आमेन, आमेन। बताइए सर, मेरी वाइफ ने प्रार्थना करोगे सर? प्लीज, वाइफ कह रही है वो पिछले संडे से आपसे जुड़े हैं तो बोल रहे थे वो प्रार्थना के लिए। मैं कहा चलो अभी मैं कराता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइव पर ले लीजिए इसको अभी। हाँ जी, एक मिनट जी, एक मिनट सर। थैंक यू। ये सर प्रभु की बहुत बड़ी गवाही है जी, इनकी इनकी कितनी खराब थी और मेरे मिल के 3-4 लाख रुपए लग चुका था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और प्रभु ने उनको ब्लेस किया और आज वो जिंदा है। डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट सारी कह दिया था वी के अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जिंदा है। वो परमेश्वर कहता है जिंदा परमेश्वर पे आओगे तो तुम भी जीवित हो जाओगे। प्रभु ने उनको जीवित रखा है प्रभु की जिंदा गुवाही से ही मैं बदला हूँ। प्रभु ने मुझे बदला है और मेरे भी अंधकार से मुझे ज्योति मिले है प्रभु। आप उनके लिए प्रार्थना करो। बिल्कुल, पत्नी से बात करिए। बहन जी जय मसीह की, क्या हो रहा है बहन आपको बताइए। बस तो ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पवित्र आत्मा चाहती हूं। मतलब आंखें बंद कीजिए, रिसीव करें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के समान। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव पावर। पर जाओ बहन, अभी आग आ रही है आपके ऊपर में, परमेश्वर की आग आ रही है, आग आ रही है, आग आ रही है। फायर ऑन यू इन द नेम ऑफ जीसस।
फायर ऑन इन द नेम ऑफ जीसस, फायर, आग से भर जाओ बहन, इसी वक्त परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर जाओ। आज से मेरा परमेश्वर आपको स्वप्न दर्शनों से बातचीत करे, आप खुदा की रूह से भर कर खुदा की सेवा करने पाओ। प्रभु मैं आपकी बेटी को आपके हाथ में देता हूं, पावर इन द नेम ऑफ जीसस, भरो अभी, फिल विद द होली स्पिरिट, भरो, आग से भरो, आग से भरो, आग से भरो, अभी आप अपने अंदर आग महसूस करने लगे, आपके सीने में आग आ रही है बहन, आपके सीने में आग आ रही है, आपके सीने में फायर नेम ऑफ जीसस, इसी वक्त आप आग से भर रही हो, मेरा परमेश्वर आपको आग से भर रहा है। पिता मैं धन्यवाद करता हूं इस फैमिली के लिए, आप इनको ब्लेस करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया, ब्लेस किया है प्रभु, तो आपको और भी ब्लेस करेगा, आमेन, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, आमेन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं मैं उनको ऐड करूंगा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। भैया लिखने से काम नहीं चलेगा, ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजिए जल्दी से, ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजिए, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। जिसके पास ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट जा रही प्लीज ज्वाइन करें, ज्वाइन करें, एडिंग ऑप्शन में भेजता हूं, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, शायद आप किसी और फोन से देख रहे हो, पता नहीं, लोग आसानी से ज्वाइन कर पा रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। थैंक यू, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्रभु हर एक को आप छुए अभी इसी वक्त, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, 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 ओ जीसस, रिबो नामा शिकेने मेंटेले बेले ले 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 रिबा नामा मामा मा शिकेने मेंटेले बेले ले ले रिबो नमो शुकुनु मंतुलु बोलो लो होली स्पिरिट, हो हाँ हालेलुया। आप लोगों की रिक्वेस्ट नहीं आ रही है इसके कारण है ना, यहाँ ज्वाइनिंग में समस्या आ रही है, यदि आप लोगों की रिक्वेस्ट आती ना तो ज्वाइनिंग बहुत इजीली हो जाता है यहाँ पर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। भैया अमित गोमे जो है बोलो, आप रिक्वेस्ट भेजिए ना भैया, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे ज्वाइन कैसे होगा यहाँ पर, बताइए मुझे आप, आप रिक्वेस्ट के लिए आप रिक्वेस्ट भेजिए, जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, आप रिक्वेस्ट भेजिए जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा आपका, और जिन कुछ लोगों को रिक्वेस्ट मैंने डाली है वो लोग भी भेजें रिक्वेस्ट, ठीक है। 5 मिनट में कोई रिक्वेस्ट आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आज की मीटिंग को क्लोज करने वाले हैं, ठीक है, आज की मीटिंग क्लोज करने वाला हूं मैं, यदि आपकी रिक्वेस्ट आती है तो ठीक है। थैंक यू होली स्पिरिट, हर्षिता को ऐड करता हूं मैं उस टेस्टिमनी देने, ज्वाइन करें, ज्वाइन का ऑप्शन दबाएं, Hallelujah, Hallelujah. Holy Chopra, thank you, Holy Spirit, 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 Holy Spirit.
थैंक यू होली स्पिरिट, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई कहां से बात कर रहे हैं आप? संजय बोल रहा हूं, जोबट से। संजय भाई, संजय जोबट से हमारे बीच में है और प्रभु का धन्यवाद हो भाई संजय हमारे साथ जोबट से एड हुए हैं। भाई संजय कैसे हैं आप? अपनी टेस्टिमनी को देने वाले अपने बच्चे की? जी जी ठीक हो भैया। हमारे सारे हमारे सभी ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स लोग, आप सब लोग देखिए भाई संजय जोबट से जुड़े हैं। भाई संजय कुछ दिन पहले आपका फोन आया था आपके बच्चे के लिए और आप बताएंगे कि बच्चे के प्रार्थना के बाद से आपके बच्चे का जीवन कैसा है और वो कैसा अब है, आप बताइए सब लोगों को। जी जी जी, सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आपकी मिनिस्ट्री के माध्यम से कई प्रकार के आश्चर्यकर्म इस लॉकडाउन के अंदर हमारे परिवार में हुए हैं। मेरी गवाही है कि जो मेरा बड़ा बेटा जो अभी लगभग 3 साल का होगा 1 महीने बाद, तो ओके, काफी बीमार था वो। नाम क्या है भैया बच्चे का? आशीष, आशीष, वेरी गुड, आशीष, बहुत अच्छा नाम है, बताइए। जी हाँ, तो काफी उसको फीवर लगभग 102, 103, 104 तक आ रहा था, तो उसको उधर हॉस्पिटल में भी भर्ती किया, उसको बोतल वगैरह भी चढ़ाई तो भी उतर रहा था, चढ़ रहा था। फिर पास्टर रोहित से दुआ करवाई मैंने ऑनलाइन, तो उसके बाद से ही वह अच्छा है, उसको आज तक फीवर नहीं आया। और हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो खाना नहीं खाता था, वो खाना नहीं खा रहा था, खाना नहीं खाता था वो। जी हाँ, तो उसके जब आपके दुआ के बाद से वो जो पहले नहीं खाता था वो भी खाने लगा और खुद आगे से मांगते पापा खाना खाना, भूख लगी है। वाओ, वाओ, वाओ। जी हाँ, जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सोचिए भाई संजय जोबट से अपनी गवाही को शेयर कर रहे हैं कि उनका बच्चा पहले तो खाना नहीं खाता था, बीमार था, बीमारी के बाद चंगाई पाई, फिर खाना नहीं खाता था, तो आप देख रहे हैं कि वो खाना तो खाने लगा, जो नहीं खाता था उसने वो भी खाना शुरू किया। अब वो आगे रहकर कहता पापा मुझे खाना खाना है, पापा मुझे खाना खाना है। यदि आज आपके घरों में बच्चे जो खाना नहीं खा रहे हैं, कमजोर है, बीमार है, आज ही आप प्रार्थना में हमारे साथ जुड़िए। परमेश्वर आपके बच्चों को जिस प्रकार भाई संजय के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, छुटकारा दिया, आशीष दिया, आपके भी परिवारों में ऐसा होने वाला है। हालेलुया भाई संजय, बहुत अच्छी गवाही आपके बच्चे की और मैं बहुत खुश हूं आपके बच्चे की गवाही को सुनकर कि सचमुच परमेश्वर ने उस बच्चे को आशीषित किया, वो खाना खा पा रहा है, आगे रहकर खा रहा है, वो अब उसके बाद कभी बीमार नहीं हुआ वो। जी जी, उसके बाद कभी लगभग 1 महीने का टाइम निकल चुका है, उसके बाद उसको फीवर भी नहीं आया और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आई जिसके कारण हम टेंशन में रहने। तो काफी पिछले लगभग 2 साल या 2.5 साल से हम बहुत तनाव में थे, इतने टेंशन में थे कि सब मतलब हर 15 दिन या महीने भर में उसको दावत दिखाने लाना पड़ता था। आपके शहर इंदौर में हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन फिर वो डॉक्टरों का ये कहना है कि बच्चा अच्छा है, पर हमने कहा खाना नहीं खा रही है। हमारी समस्या वो थी, बच्चा अच्छा है हमको भी पता है पर बच्चा खाना तो खाए, कितने प्रकार के मेडिसिन उसको, मतलब ये कि कोई सा दिन ऐसा नहीं गया होगा कि उसको दवाई नहीं पिलाई हो हमने। ओह जीसस। जी हाँ, डेली प्रतिदिन उसको कई प्रकार के ड्रग्स हमको देना पड़ता था। बड़ी गवाही है, समोन चर्च जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग शेयर करें, बड़ी गवाही संजय भाई की बता रहे हैं यहाँ पर। इतनी दवाइयां, इतना मेडिसिन देने के बाद में भी बच्चे की जिंदगी में परिवर्तन नहीं था, लेकिन प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चमत्कार को प्रकट किया। अब बच्चा पहले से आगे होकर कहता मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। हालेलुया जी संजय, हालेलुया आपको, आपके परिवार को, आपके बेटे आशीष को परमेश्वर बहुत आशीष दे, संभाले, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, बाय बाय। आपको भी परमेश्वर आशीष दे, बाय। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने अभी संजय भाई की टेस्टिमनी को सुना है, संजय भाई की टेस्टिमनी को आपने सुना है किस प्रकार परमेश्वर ने उनके बच्चे की जिंदगी में काम किया। ऐसी बहुत सारी गवाहियां आप सुनने वाले हैं, इसलिए यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया, बहन डोली चोपड़ा को मैं लाइन पर लेने वाला हूं। एडिंग ऑप्शन आ चुका है आपके पास में, एड करिए जल्दी से। ज्वाइन कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड।
सिस्टर्स आपकी आवाज नहीं आ रही, हेडफोन को थोड़ा पास में रखिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज आवाज बहन आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, हम लोगों को आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन पास में रखिए, पास में रखिए, आवाज नहीं आ रही है, ठीक से लगाइए, आवाज नहीं आ रही है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, फिर से लाइए, फिर से लाइए, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, ये लगा दीजिए, अब आ रही, अब आई, अब आ रही है, हाँ हेलो मैम, मिसेस पूनम हो रही, आपको मेरी आवाज आ रही है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, अब आ रही है, ये मेरी सिस्टर डॉली, बहुत प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, मैं बहुत खुश हुई आपको देख करके, बहन मैं भी बहुत खुश हूँ, बहन बहुत खुश हूँ कि आपने अभी लाइव में ज्वाइन किया हम लोगों को, और मैं बहुत आनंदित हूँ आप लोगों से, आपकी बहन से मिलकर, आपसे मिलकर, तो बताइए आप लोग कैसे हैं और मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूँ। बस हम लोग बहुत खुश हैं आपकी मिनिस्ट्री की, मैं मीटिंग्स रेगुलर देखती हूँ, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रेयर टावर पे फोन करवाया था जब अनन्या के कानों में बहुत ज्यादा दर्द था, तो पहले मैं गॉड का थैंक यू करती हूँ कि तब से लेकर अभी तक उसको बहुत ही फायदा है, मतलब दर्द होता है बीच बीच में पर वो नहीं होता जितना बहुत सीवियर हो रहा था बहुत ज्यादा, सब लोग ऑनलाइन टेस्टमनी को सुन रहे हैं कि बहन ने अपनी बेटी के लिए कानों के दर्द के लिए प्रार्थना कराया था, उनके कानों में काफी इन्फेक्शन था और तकलीफ थी, लेकिन वो बता रही कि पहले जैसी कोई समस्या नहीं, प्रभु ने उस बेटी को कानों में चंगाई दिया है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, ये मेरी सिस्टर है, रियाना मासे के ने मैं इनके लिए पहले बोरुश शुरू करूं, इसके लिए अभी प्रार्थना कराना चाहती हूँ, परमेश्वर इसको बच्चे की आशीष दे, इसकी शादी अक्टूबर में हुई है, आमीन, या आमीन आमीन आमीन, इसको बेटे की ब्लेसिंग दे, परमेश्वर इसकी इसकी झोली खुशियों से भरे, आमीन, अभी मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगती हूँ, अभी मैं इन अपने छोटे भाई बहनों के लिए मांगती हूँ, ब्रदर की शादी का और इसकी झोली परमात्मा भर दे, बस क्योंकि मम्मी नहीं है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा, तो मैं इनके लिए दुआ मांगती हूँ, जी जी बहन जरूर, परमेश्वर ने परमेश्वर उस बहन को जरूर बच्चे की आशीष देने जा रहा है ना, आमेन, आई रिसीव, वो मेरी आवाज सुन रही है बहन डोली, मेरी आवाज को सुन पा रही है आप, हाँ जी, आंखें बंद कीजिए, रिसीव करें परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर के ब्लेसिंग को रिसीव करें, आंखें बंद करें, आंखें राइट नो, आई रिलीज द पावर ऑफ होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु इसी वक्त बहन पूनम बहन डोली के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरे, रिसीव द पावर ऑफ होली गोस्ट, रिसीव द पावर ऑफ होली गोस्ट, रिसीव द पावर ऑफ होली गोस्ट, फायर नेम ऑफ जीसस, 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 आई ब्रेक द पावर ऑफ सैतान, आई ब्रेक द पावर ऑफ सैतान, आई ब्रेक द पावर ऑफ सैतान, प्रभु इसी वक्त पीढ़ियों के श्राप टूट जाए, पीढ़ियों के श्राप टूटे आपकी जिंदगी से, इसी वक्त बहन डोली के जिंदगी परमेश्वर का आत्मा काम करे, बहन डोली परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाए, इसी पर कंसीव करने की सामर्थ पाओ, गर्भ धारण करने की सामर्थ आपकी जिंदगी में आए, इसी वक्त आपके गर्भ के बंधन को तोड़ता हूं मैं, प्रभु ने कहा तू जिसे खोलेगा मैं उसे खोलूंगा, मैं इसी वक्त बहन तुम्हारे गर्भ को खोलता यीशु के नाम में, और ये गर्भ सुनो यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, परमेश्वर इस गर्भ में तेरी सामर्थ को डाल, इसी वक्त बच्चे की आशीष को पाए, इसी वक्त बच्चे की आशीष को पाओ, इसी वक्त बच्चे की आशीष को पाओ, और कुछ है जो तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर की पावर तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी आ रही है, रिसीव इन जीसस माइटी नेम, पिता मेरी प्रार्थना है आपकी बेटी आपकी आत्मा सामर्थ अभिषेक से परिपूर्ण, पिता परमेश्वर ओ प्रभु बच्चे की आशीष पारी में आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन, हालेलुया हालेलुया, रोहित जी गॉड ब्लेस यू ऑल, जल्दी से टेस्टिमनी लेकर आ रही हैं आप, और इससे जल्दी से गुड न्यूज में करा रही है, इसी तरह ऑनलाइन दूंगी, मैं फिर आपको ऑनलाइन में बुलाऊंगा इस टेस्टिमनी को देने के लिए कि परमेश्वर ने आपको बच्चे की आशीष दिया है, हालेलुया, इंतजार कीजिएगा, मैं फिर आपको ऑनलाइन बुलाकर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बाय बाय, थैंक यू होली स्पिरिट।
थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैं कुछ लोगों को और ले लेता हूं ताकि थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मीटिंग यहाँ चल रही है, सब लोग देखिए लाइव मीटिंग चल रही है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिकाना मासेने मेंटेले बेल्लबो रोशुतो नमा रिकाना मंटेले बे। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें और थैंक यू होली स्पिरिट। नेक्स्ट लाइव ब्रॉडकास्ट हम लोगों का फ्राइडे का होगा और मैं चाहता हूं कि फ्राइडे आप सब लोग तैयारी के साथ में आए ताकि मेरी आप लोगों से, ताकि मैं आप लोगों से ऑनलाइन में आकर बात कर सकूं। हालेलुया। तो ताकि मैं आप लोगों से ऑनलाइन में आकर बात कर सकूं, इसलिए फ्राइडे मीटिंग में आप सब लोग तैयार रहिएगा। फ्राइडे मीटिंग का टाइमिंग शाम को 6 बजे होगा और मैं बहुत सारी टेस्टिमनीज वहाँ पर लेने वाला हूँ, बहुत सारे कॉल्स लेने वाला हूँ, आप लोगों को लाइव में बुलाने वाला हूँ ताकि आप लोग लाइव में आकर परमेश्वर की गवाही को दे सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। रिया नमा शकेने मेंटेले बेले लबोरु शुतो नमार कना मेंटेले बेले बोर रबा नमा सिकेंटेले बे। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, जय मसीह की। कहां से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, बहन जरूर वो बोलने लगेंगे, है ना? जरूर भाई आप बोलने लगेंगे, जरूर होगा, ये जरूर होगा। उंगलियां भी चलने लगेंगी और आप बोलने भी लगेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं, पिता मेरी प्रार्थना है, रिसीव द पावर ऑफ हीलिंग। प्रभु ये बोलने लगे चलने लगे, रिसीव द पावर ऑफ हीलिंग, ये बोलने लगे चलने लगे, रिसीव द पावर ऑफ हीलिंग, ये बोलने लगे चलने लगे, रिसीव द पावर ऑफ हीलिंग, बोलने लगे चलने लगे, रिसीव द पावर ऑफ हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। पिता ये बोले भी और चले भी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहन जरूर परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम करेगा, ठीक है? हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। शखना मंथले बेलेल बुरुशुतो नमा। पिता मेरी प्रार्थना, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके घर परिवार बाल बच्चे स्तर के शोकनी आशा अकाउंट बटवे जेबे खत्ते तिलक हमेशा किसी बलिवस्तु घटी ना पड़े, सारी महिमा मैं आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो आज के इस ब्रॉडकास्ट को हम फिनिश कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। यदि अब तक आपने शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, सब लोगों को इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, सब लोगों को बताएं और फ्राइडे के लिए सब लोग तैयार रहें, पहले से तैयार रहें। मैं आप लोगों को ऑनलाइन बुलाकर सब लोगों के सामने प्रार्थना करूंगा ताकि आप ये अद्भुत बातों को देख सकें। आप अपने लोगों को, फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों को शेयर करें ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय मसीह की।